अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं दानिश जावेद एक बार फिर आपके हर दिल अजीज़ प्रोग्राम हालात में आपका इस्तकबाल करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हमेशा आपके लिए बर्निंग और सेंसिटिव टॉपिक लेकर आते हैं, तो आज हमारा टॉपिक है मुस्लिम रिजर्वेशन यानी मुस्लिम आरक्षण। इस टॉपिक पर हमारे साथ बात करने के लिए हैं जनाब डॉक्टर जावेद जमील साहब, 15-16 किताबों के मुसन्निफ़ हैं, हालात से मुतालिक मुस्लिम समाज और मुस्लिम मुआशरे की समस्याओं के मुतालिक आपने 15 से 17 किताबें लिखी हैं। जावेद साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। हमारे अगले पैनलिस्ट हैं जनाब जैद खालिद पटेल साहब, हैं मशहूर इस्लामी स्कॉलर, हैं इस्लामी स्पीकर हैं। जैद खालिद पटेल साहब, आपका इस्तकबाल है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। और दोस्तों, मुस्लिम रिजर्वेशन पर हमारे साथ बात करने के लिए आज शेर मिल्लत मशहूर सियासतदान जनाब अबू आसिम आज़मी साहब हैं। आसिम भाई, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आइए सबसे पहले टॉपिक की शुरुआत करते हैं, सवाल आसिम भाई से लेते हैं। आसिम भाई, आप क्या समझते हैं कि हमारे मुस्लिम समाज को, ख़ासतौर पर हिंदुस्तान में, क्या सचमुच किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है? नहीं, बिल्कुल है, क्यों नहीं। देखिए, सबसे पहले अगर कोई कुरान शरीफ की आयत आई तो उसमें सबसे पहले तालीम के लिए कहा गया है, तालीम के लिए। आज मुसलमान तालीम में हिंदुस्तान में पीछे है। वजह यह है कि अगर 60% मुसलमान नंबर लेकर खड़ा है और कोई 36% नंबर SC और ST का लेकर खड़ा है रिजर्वेशन का, तो 60% को एडमिशन बाद में मिलता है और 36% वाले को जल्दी मिल जाता है। इसलिए मैं समझता हूँ ज़रूरी है पार्लियामेंट की सीटें हों, असेंबली की सीटें हों। अगर चाहे सियासत में हमारे लोग नहीं रहेंगे तो हमारी आवाज़ कौन उठाएगा, हमारी बातें कौन करेगा? आज जितनी पार्लियामेंट की सीटें, असेंबली की सीटें, कॉरपोरेशन की सीटें, ग्राम पंचायत की सीटें रिजर्व हो गई SC ST के नाम पर, तो ख़त्म, मुसलमान लड़ी नहीं सकता इलेक्शन, तो हमारी तादाद उसमें कम हो जाती है। हमें इस मुल्क में आज़ादी के वक्त ये वादा किया गया था कि इस मुल्क में मुसलमानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी, बराबर कदम मिलेगा। तो अगर चाहे रिजर्वेशन लोगों को और मिला है तो हमें मिलना चाहिए, और रिजर्वेशन दिया क्यों गया? इसलिए अगर एक पहलवान और एक कमज़ोर आदमी दुनिया की दौड़ में एक साथ दोनों को एक मैदान में खड़ा कर दिया जाए, दौड़ाया जाए, तो पहलवान जीत जाएगा, कमज़ोर आदमी हार जाएगा। तो रिजर्वेशन के जरिए उस कमज़ोर आदमी को इतना और एनर्जी दे दी गई ताकि वो दुनिया की दौड़ में उसके बराबर हो जाए, और आज जो है मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा है। अभी मैं नागपुर गया था तो कुछ बच्चे अस्पताल में एडमिट हो गए, लोग देखने का, मैंने क्या हो भाई, कहा ओवर ईटिंग से चले गए। ओवर ईटिंग क्यों हो गई? क्या इनको SC ST का रिजर्वेशन है, इनको सरकार की तरफ से इतना खाने को मिला, बेचारा गाँव से आते थे, बहुत खा लिया इन्होंने, तो सबको जो है जो ओवर ईटिंग की वजह से प्रॉब्लम खड़ा हो गया, मुसलमान बेचारा उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज हमें तरक्की की राह पर जाने के लिए रिजर्वेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तरक्की के रास्ते पर जाने के लिए रिजर्वेशन एक बहुत ज़रूरी चीज़ है। अगर किसी रेस में एक पहलवान और एक कमज़ोर आदमी दौड़ रहा हो तो कमज़ोर आदमी को पहिए लगाने का नाम रिजर्वेशन है। जावेद जमील साहब, आपका कमेंट। देखिए, हिंदुस्तान में मुसलमान, इसमें कोई शक नहीं, हर एतबार से पसमानदा है, और चार लेवल पर एम्पावरमेंट की बात मैं जोर देता हूँ कि चार लेवल पर बड़ा ज़रूरी है एम्पावरमेंट। एक आइडियोलॉजिकल यानी नज़रियाती सतह पर, दूसरा पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, तीसरा सोशल जिसमें एजुकेशन भी एक हिस्सा है, चौथा इकोनॉमिक एम्पावरमेंट। इन चारों सतहों पर एम्पावरमेंट के रास्ते में कहीं रिजर्वेशन का ना होना मुसलमानों के लिए बहुत बड़ा रुकावट बन गया है, क्योंकि अगर एजुकेशन नहीं होगी सही तरीके से तो उसका इकोनॉमिक एम्पावरमेंट पर भी ज़बरदस्त असर पड़ता है। ये बड़ी अजीब और गरीब बात है कि हिंदुस्तान के अंदर यहाँ पर ये बुनियाद रखी गई कि रिजर्वेशन की दिया जाएगा, तो उसकी पहली बुनियाद थी बैकवर्डनेस, और दूसरी उसके बाद की गई कि कास्ट की, क्योंकि ये महसूस किया गया कि हिंदुस्तान में कुछ मखसूस कास्ट ज़्यादा बैकवर्ड है बमुकाबले दूसरों के। लेकिन बात यह कही गई कि साहब रिलीजन की बुनियाद पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पर मामला बिल्कुल दूसरा हो गया है कि रिलीजन की बुनियाद पर एक मुस्लिम कौम को इनकार किया जा रहा है। हिंदुओं को तकरीबन कमोबेश 50% रिजर्वेशन हासिल है, मुसलमानों को बिल्कुल हासिल नहीं है। एक पूरी कौम को आपने मुख्तलिफ बुनियादों पर रिजर्वेशन दे दिया। मतलब अगर मैं आपकी बात अपनी जबान में कहूँ तो मुसलमानों को ये कहा जाता है क्योंकि तुम मुसलमान हो इसलिए तुम पसमानदा नहीं हो सकते, मुसलमान होने की बुनियाद यही कहा जाता है। और उसके अलावा अगर तुम पसमानदा भी हो तब भी तुम्हें रिजर्वेशन का इख्तियार नहीं है क्योंकि तुम मुसलमान हो। और हमारा आईन कहता है कि वो एक मजाक है, आईन का भी वो कहते हैं कि साहब आईन में यह है कि मजहब की बुनियाद पर नहीं हो सकता। यहाँ पर उल्टा हो रहा है कि मजहब की बुनियाद पर दिया ही नहीं जा रहा, मजहब की बुनियाद पर इनकार किया जा रहा है, महरूम किया जा रहा है। तो ये कौन सा सेक्युलरिज्म है हिंदुस्तान का कि जिसमें मजहब की बुनियाद पर एक पूरी कौम को, जो सबसे ज्यादा जो इतनी बैकवर्ड हो गई है कि दलितों से भी नीचे, सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, मुख्तलिफ रिपोर्टों में उनके मुकाबले में वो बैकवर्ड हो चुकी है, उसको ना तो बैकवर्डनेस की बुनियाद पर दिया जा रहा है और ना ये कि चूंकि पूरी की पूरी कौम बैकवर्ड हो चुकी है।
उनके लिए कोई ना कोई वजह तलाश कर ली जाती है उनको डिप्राइव करने के लिए, उनको रोकने के लिए। मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन ना दिया जाना आईन का एक हिस्सा है, लेकिन उसका गलत इस्तेमाल करके मुसलमानों को मज़हब की बुनियाद पर रिजर्वेशन हासिल करने से रोका जा रहा है। इस पर तफसील से बात करेंगे, उससे पहले मैं जैद भाई की तरफ आता हूँ। जैद खालिद साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि रिजर्वेशन, लफ्ज़ रिजर्वेशन के मुतालिक इस्लाम क्या कहता है? अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलात वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिही वसहाबी अजमईन, अम्मा बाद। देखिए, अगर हम पहले अगर बुनियादी तौर पर इस मसले को देखें कि मान लीजिए कि 100 जॉब्स हैं और 100 सीट्स हैं किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, और कहा जाए कि पर्टिकुलर कौम को एक प्रायोरिटी दी जाएगी कि आपके अंदर से 10 तो रहेंगे ही रहेंगे, 25 रहेंगे ही रहेंगे, ये एक टाइप का अश्योरेंस और गारंटी हो, रिजर्वेशन हो, तो क्या ये इस्लामी तौर पर देखा जाए तो सही है या नहीं है? हम ये देखेंगे, हम मुस्लिम रिजर्वेशन की बात नहीं कर रहे हैं, और मैं जो बात कह रहा हूँ ये इंडिविजुअल रिसर्च के तौर पर कह रहा हूँ, मैं किसी को रिप्रेजेंट करते हुए नहीं कह रहा हूँ, मैं कोई मुस्लिम ओपिनियन रिप्रेजेंट करते हुए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ इस्लाम की बातें क्या है लाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर हम इस चीज़ के इंसाफ के पहलू के ताल्लुक से देखें तो कुरान में तो अल्लाह ताला ने इंसाफ के ताल्लुक से ये कहा कि दुश्मनों के साथ भी इंसाफ करना है। सूरह मायदा सूरह 5 आयत नंबर 8 में ये बात कही गई है, सूरह निसा सूरह 4 आयत नंबर 135 में है कि खुद के खिलाफ भी खड़े हो जाओ अगर इंसाफ के लिए खड़ा होना है, गवाह बनकर, चाहे माँ बाप के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे रिश्तेदारों के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे अमीर के खिलाफ क्यों ना हो, चाहे गरीब के खिलाफ क्यों ना हो। पता चला इस्लाम ने ये नहीं कहा है कि किस चीज़ के अंदर किसे एक्स्ट्रा क्रेडिट दिया जाएगा, बल्कि इसके अंदर पहलू ये होता है कि कहाँ पे कौन ज़्यादा डिजर्विंग है, कौन ज़्यादा इंसाफ की पहलू के तौर पे दिखाया है तो कौन उसका ज़्यादा मुस्तहिक है। लेकिन जब हम इंडियन सिनेरियो में देखते हैं तो इंडियन सिनेरियो में यहाँ पर बात अलग है, हम वो चीज़ को इस कॉन्टेक्स्ट में लाकर डायरेक्टली अप्लाई नहीं कर सकते, और जो लोग इसे अप्लाई करते हैं वो एक चीज़ को कह रहे हैं लेकिन उसके माहौल को देखे बगैर कह रहे हैं। यहाँ पे सिचुएशन ये है कि महाराष्ट्र की अभी करंट सिचुएशन क्या है, 67% रिजर्वेशन हो चुका है, लेटेस्ट एडिशन जो मराठास का 16% है, और जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और ओबीसी को मिलाकर 49% रिजर्वेशन, वो अलग है। तो हम देखते हैं कि इस सिनेरियो के अंदर जो बाकी के लोग हैं उनके लिए चीज़ें ज़्यादा डिफिकल्ट हो गई है, और सारे पॉलिटिकल सिचुएशन का एक जायजा लेते हुए एंड रिजल्ट तो सचर कमेटी रिपोर्ट में मिल रहा है कि मुस्लिम्स की पोजीशन आज शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बैकवर्ड है। तो जब ये सिनेरियो है तो कुछ तो सोचना होगा, और जैसे बहुत बिल्कुल मुनासिब मिसाल थी कि अगर एक रेस हो और दो लोगों के बीच में एक अपाहिज है तो अपाहिज को कुछ तो क्रेडिट देना होगा, कुछ तो उसे आगे बढ़ा के रखना होगा, तो ये एक बात गौर करने लायक। मैं आपकी बात से क्या ये मतलब निकालूं कि इस्लाम इस बात का हामी है कि रिजर्वेशन नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट नहीं करनी चाहिए? देखिए, सही बात तो यही है, और ये चीज़ सिर्फ मुस्लिम्स की बात नहीं हो रही है, सारों की बात ही हो रही है कि आपको किसी गरीब की मदद करना है तो किसी कौम की बुनियाद पर नहीं हो, बल्कि आप देखें कि अगर हो सकता है कि कोई ब्राह्मण भी गरीब हो सकता है, कोई क्षत्रिय भी गरीब हो सकता है, कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब वाला भी गरीब हो सकता है, कोई मुस्लिम भी गरीब हो सकता है, तो यहाँ पे किसी कौम की बुनियाद पर जो बात की जाती है, जो फ़र्क किया जाता है, रिजर्वेशन किए जाते हैं, उसकी जगह पर कौन ज़्यादा मुस्तहिक है उस मुस्तहिक की मदद की जाए, अलग अलग तरीक़ों से मदद की जाए, लेकिन ये कौम की बुनियाद पर जो रिजर्वेशन का सिस्टम है इन इटसेल्फ ये क्वेश्चनेबल सिस्टम है। लेकिन जब ये सिस्टम चल रहा है और जब हम देख रहे हैं कि कुछ लोग हैं जो डिप्राइव्ड है, जो कुछ पॉलिसीज़ का एंड रिजल्ट हम देख सकते हैं कि ये एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, ये हमारी पूरी सोसाइटी का ही हिस्सा है, मुस्लिम्स भी इस कंट्री का हिस्सा है, तो जब हम देखते हैं कि शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब से भी ज़्यादा बुरा हाल एजुकेशन में, जॉब्स में जब मुस्लिम्स का है, तो इस बात के ताल्लुक से गौर करना बहुत ज़रूरी है। किसी क्षत्रिय या किसी ब्राह्मण को भी मदद की दरकार हो सकती है, और मदद आरक्षण के नाम पर कौमों की नहीं की जानी चाहिए, जैद खालिद पटेल साहब का ये कहना है। आसिम भाई, मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ इसी हवाले से कि क्या मुसलमान कौम बीइंग मुस्लिम आरक्षण का या रिजर्वेशन का बायकॉट ना करे, मुखालफत ना करे, अगर इस्लामी नुक्ता नज़र ये है तो? देखिए, ऐसा है, मैं समझता हूँ कि अगर कोई आदमी गरीब है तो सरकार उसको इकोनॉमिकल मदद कर दे, स्कूल में दाखिला लेने के लिए उसकी मदद कर दे कि वो आदमी अब दाखिला ले सके, क्योंकि ये हो रहा है कि उस आदमी का नंबर भी कम मिला है उसको, उसकी लियाकत, उसकी जो है काबिलियत भी कम है, इवन उसको जॉब मिल जाएगा और काबिलियत वाले को नहीं मिलेगा, ये हो रहा है। देखिए, हमें इस वक्त जो है इस ये सिनेरियो देखते हुए हम मुझे नहीं लगता कि हम लोगों को अपोज करना चाहिए, हमें एक डिमांड करना चाहिए सरकार से, सारे रिजर्वेशन ख़त्म कर दिए जाए हिंदुस्तान के, और उनको जो है सिर्फ और सिर्फ इकोनॉमिकल बेसिस के ऊपर, पसमानदगी के ऊपर रिजर्वेशन दिया जाए, ज़ात बिरादरी नाम सब ख़त्म कर दिया जाए, या तो फिर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। देखिए, यहाँ पर मैं एक बात बढ़ के बोलना चाहता हूँ कि जो ये कहा गया कि मुस्लिम नाम पर रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो किस तरह से फिर इस मुल्क के बड़े जज सचर साहब, रंगनाथ मिश्रा साहब, सुप्रीम कोर्ट के जज,
कोई लेमैन नहीं है, महमूदुर रहमान साहब आईएएस अफसर, जब इन्होंने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन मिलना चाहिए तो कैसे देना है ये सरकारों का काम है, और जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है वो कोई अल्लाह ताला की तरफ से कोई कुरान शरीफ की आयत नहीं है। जी 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 जी, कोई वो वहाँ से भेजा हुआ कोई वो नहीं है कि जो बदला नहीं जा सकता, क़यामत तक वही रहेगा। कॉन्स्टिट्यूशन में हमेशा अमेंडमेंट होता है, अगर कोई अल्फाज उसमें ऐसा है जिससे रुकावट पड़ रही है उसको अमेंड करो। लेकिन मैं तो कहना चाहता हूँ कि या तो बस दो ही चीज़, या तो रिजर्वेशन पूरा ख़त्म कर दिया जाए, देना है तो सबको दिया जाए पसमानगी के उस पर, या तो फिर मुसलमानों को भी रिजर्वेशन दिया जाए। न्यूनतम तादाद 5% जो यहाँ दिया जा रहा है वो गलत है, कम से कम 10% जो लोगों ने पूरा सर्वे करके कहा है उतना ही मिलना चाहिए। अच्छा आसिम भाई, यहाँ बड़ा एक सवाल उठता है और वो ये कि क्या ये जो सियासी पार्टियाँ हैं, माफ़ कीजिएगा मैं सियासत के हवाले से बात पूछ रहा हूँ, कि ये जो सियासी पार्टियाँ हैं क्या ये मुस्लिम रिजर्वेशन को लेकर सचमुच संजीदा हैं या सिर्फ एक सियासी खेल है? नहीं, बिल्कुल सियासी खेल है, बिल्कुल सियासी खेल है, आप बिल्कुल, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। अगर सियासी खेल नहीं होता तो मैं जहाँ की महाराष्ट्र की राजनीति में मैं सरगर्म हूँ, मैं और कहीं बाद में जाऊँगा, लेकिन महाराष्ट्र में पिछले 1947 से आज तक कांग्रेस पार्टी की सरकार है, 5 साल तक बीच में नहीं थी, 15 साल तक फिर मुस्तकिल फिर है। इनको अगर रिजर्वेशन मुसलमानों को देना होता तो दे देते पहले वो, और जब इन्होंने देखा कि अब जो है ये लोग हार रहे हैं, अब ये आगे बीजेपी की बढ़ रही है देश में, तो इन्होंने मुसलमानों को 5% रिजर्वेशन सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट किया, अध्यादेश लाया उसका उन्होंने, और उन्होंने इसको बिल पास नहीं किया और छोड़ दिया। जब उनको मालूम था मुसलमान वोट किसको देता है, कांग्रेस को देता है, बीजेपी को वोट देता नहीं, क्योंकि बीजेपी एक फिरका परस्त पार्टी है जो मुसलमानों को इस मुल्क में दूसरे नंबर का शहरी बनाना चाहती है, इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहती है, तो वोट देता है मुसलमान कांग्रेस को सेकुलर समझ करके, सो कॉल्ड सेकुलर, और जिनको वोट मुसलमान देता है उन्होंने नहीं रिजर्वेशन दिया, तो फिर ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि बीजेपी आएगी और वो जो है कांग्रेस के अधूरे काम को वोट ही नहीं दिया, जिसको देते नहीं, जो हम देते नहीं, और वो मुसलमानों को इस मुल्क में दो नंबर का बनाना चाहते हैं। अब हम डिमांड उनसे कर रहे हैं कि तुम इस बिल को पास करो, जो इन्होंने वो लाया था, जीआर लाया था, वो एक्सपायर हो गया है, अब इसको पास करो और इनको दो। मुझे लगता है कि बीजेपी हर पार्टी का अपना एजेंडा होता है, ये हिंदुत्व के नाम पे चल रहे हैं, कांग्रेस सेकुलर नाम पे चल रही है, लेकिन नहीं दिया। तो मैं ये समझता हूँ कि आज कांग्रेस पार्टी महाराष्ट्र में सरगर्म है कि रिजर्वेशन दिलाएंगे, ये बिल्कुल घड़ियाली आंसू है, बेवकूफ़ बनाने के आंसू है, कोई दिलाना नहीं चाहता, सिर्फ मुसलमानों को वोट के तौर पर लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं, कोई मुसलमानों का हालात इस मुल्क में सुधर जाए, अच्छे हो जाए। नहीं, अगर उनको लगता है, मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ, अगर ये गिलास पानी है इससे मुसलमानों की प्यास बुझ सकती है, तो ये लोग आधा गिलास पानी गटर में फेंक देंगे, आधे गिलास देंगे ताकि ये जीने भी ना पाए और मरने भी ना पाए, ये सच्चाई है। आधा गिलास पानी गटर में फेंक देंगे और आधा ही पीने के लिए देंगे, कहीं प्यास पूरी ख़त्म हो गई तो हमारे हाथ से निकल जाएंगे और सियासत यतीम और मिस्कीन हो जाएगी। लेकिन अगर मैं आसिम भाई आपसे पूछूं कि यही फार्मूला और यही हालात उत्तर प्रदेश में है जहां आपकी सरकार है, क्या वहां सियासी खेल नहीं है? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना, उत्तर प्रदेश में भी अनाउंस किया गया था जो मैनिफेस्टो में कि रिजर्वेशन दिया जाएगा, लेकिन वहां पे उन्होंने क्या किया है, अभी 20% मुसलमानों को 85 ऐसी चीज़ें हैं जिसने रिजर्वेशन दिया है। उन्होंने कहा है कि अगर गाँव में 100 नल लगेगा तो 20 नल मुसलमान को मिलेगा, अगर 100 करोड़ का कोई फंड आएगा डेवलपमेंट पर तो 20 करोड़ का मुसलमान के इलाके में जाएगा, इस तरह की चीज़ें उन्होंने अनाउंसमेंट किया है, ये चल रहा है। मगर मेरी मांग है, उत्तर प्रदेश सरकार से भी मांग है, मैं किसी एक पार्टी पर, कि रिजर्वेशन अनाउंस करके उनको रिजर्वेशन दे दिया जाए। देखिए कमाल की बात है, खुद अपनी पार्टी और अपनी पार्टी के सरबराहान से आसिम भाई की डिमांड है। गुफ्तगू के शुरू में कहा कि हमारे साथ बेबाक सियासतदान आसिम साहब मौजूद हैं। बहरहाल जावेद जमील साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान में ये रिजर्वेशन का निज़ाम है क्या? जैसा कि अभी जैद भाई ने बताया कि अकेले महाराष्ट्र में 100 में से 67% ऑलरेडी रिजर्व हो चुका है, बुक हो चुका है, बाकी तमाम लोग, बाकी तमाम कौमें, बाकी तमाम महाराष्ट्रियन या हिंदुस्तानी या महाराष्ट्र में रहने वाले लोग बाकी की जो परसेंटेज है उससे काम चलाएं। तो अगर हम एट अ ग्लांस हिंदुस्तान में देखें तो हिंदुस्तान में कितनी जगह बाकी कौमों के लिए और मुसलमानों के लिए बची है, छोड़ी है सियासतदानों ने रिजर्वेशन के इस मक्कड़ जाल में? देखिए बड़ी अफसोसनाक बात है कि रिजर्वेशन हिंदुस्तान में इतना कंफ्यूजन है, ये क्लियर ही नहीं है पॉलिसी के कहाँ पर रिजर्वेशन है कि कहाँ पर नहीं है, कहाँ पर एजुकेशन में है, कहाँ पर जॉब्स में है। एक हुकूमत आती है रिजर्वेशन का वादा करती है, दूसरी हुकूमत चली जाती है, जैसा अब आसिम आजिम साहब ने कहा कांग्रेस के बारे में। सलमान खुर्शीद साहब ने एन इलेक्शन से पहले
4.5% रिजर्वेशन का ऐलान किया कि दिया जाएगा, और उनको मालूम था कि इलेक्शन कमीशन इसको कबूल नहीं करेगा। चुनाचे वो एक कन्फ्रंटेशन हुई, इलेक्शन कमीशन ने उसके ऊपर सख्त तंबी की कि आप ऐसा क्यों कह रहे हैं, उस अपनी डिमांड से पीछे हट गए। हर पार्टी, कोई भी पार्टी हो हिंदुस्तान के अंदर, वो अपनी पोजीशन से पीछे हट जाती है इलेक्शन के फौरन बाद। इलेक्शन से पहले पोजीशन कुछ और होती है, इलेक्शन के बाद कुछ और होती है। चुनाचे आज की तारीख में महाराष्ट्र की पोजीशन कुछ और है, बिहार की पोजीशन कुछ और है, यूपी की कुछ और है, कर्नाटक की कुछ और है, आंध्र प्रदेश में कुछ और है। हर जगह पर अलग अलग पोजीशन है, कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी हम अभी तक अडॉप्ट नहीं कर पाए हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब स्टेट में कोई गवर्नमेंट आती है, तो जब गवर्नमेंट बदलती है तो उसको तब्दील कर देती है नई गवर्नमेंट आकर। जब तक सेंट्रल लेवल पर कोई यूनिफॉर्म पॉलिसी नहीं इख्तियार की जाएगी, ये मसला जारी रहेगा। बीजेपी आएगी तो उसको हटा देगी, कोई दूसरी हुकूमत आएगी वो उसको लाने की कोशिश करेगी, और उसका वक्ती तौर पर सियासी फायदा हासिल करने के अलावा कुछ मकसद हासिल नहीं होता। जैसा कि कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने ये रखा कि 50% का रिजर्वेशन हो सकता है, लेकिन 67% ऑलरेडी कोशिश हो रही है। बड़ी आराम से बहुत मुमकिन है कि हिंदुस्तान की पार्लियामेंट को हक ही हासिल है कि वो पार्लियामेंट अमेंडमेंट करे जिसमें इस बात की गुंजाइश हो कि इस 50% से बढ़ाकर इसको मजीद 60% या 65% कर दिया जाए। लेकिन जब नीयतें साफ नहीं है, जब नीयत ही हो गई है कि किसी ना किसी तरह मुसलमानों को डिप्राइव्ड रखना है, उनके रास्ते की रुकावट बनना है, उनको तरक्की होने नहीं देना है, क्योंकि वो एक लॉबी खास तौर पर ऐसी है, और माफ़ कीजिएगा कि वो लॉबी सिर्फ बीजेपी में नहीं है, एक पर्टिकुलर लॉबी कांग्रेस में भी ऐसी है, दूसरी उसमें भी ऐसी लॉबी है। अगर हम सिनेरियो देखें तो केरला के अंदर हम देखते हैं कि 12% रिजर्वेशन एजुकेशन में, 8% रिजर्वेशन जॉब्स में, गवर्नमेंट जॉब्स में। तेलंगाना में जो कंट्रोवर्सी चल रही है कि 4% तो है रिजर्वेशन, लेकिन अभी जो इलेक्शन मैनिफेस्टो में 12% का वादा किया है, इस चीज़ के ताल्लुक से बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, हम देख रहे हैं। बाकी थ्रू आउट इंडिया जो ओबीसी कैटेगरी के अंदर हम देखते हैं 27% रिजर्वेशन है, जगह जगह पर अलग अलग मुस्लिम कम्युनिटीज़ को ओबीसी में शामिल किया गया है। जैसे बिहार के अंदर देखा जाता है कि 27% में से 3% मुस्लिम्स ने कंज्यूम किया, 3%, यानी आप ओवरऑल देखेंगे तो टोटल 49% में से 3% मुस्लिम्स ने भी बेनिफिट उठाया बिहार जैसी जगह पर। और हम देखते हैं कि इसके अलावा तमिलनाडु ने ओबीसी में फिक्स कर दिया कि ओबीसी के अंदर 3.5% मुस्लिम्स के लिए है खास। तो ये अलग अलग जगह पर तो हम देख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल हम मुसलमानों को अंदरूनी तौर पर बहुत सारा गौर करने की ज़रूरत है, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुस्लिम माशरे को अपने अंदर पैदा करना चाहिए, ताकि चाहे कितने भी गवर्नमेंट्स हमारे खिलाफ हो, चाहे कितने भी मंसूबे लोग बनाते रहें, यकीनन कंट्रोल तो चलता है अल्लाह रब्बुल आलमीन का, और हम अगर अपने अंदर कुछ खूबियां पैदा कर लें तो चाहे एडवर्स सर्कमस्टांसेस भी क्यों ना रहें, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इंडिविजुअल और कम्युनल तौर पर, कम्युनिटी के तौर पर भी कुछ एक्शन है और इंडिविजुअल तौर पर भी कुछ एक्शन है जो अगर हम करें, तो चाहे कितना भी ब्लीक सिनेरियो क्यों ना हो, हम इंशाल्लाह उसके अंदर बेहतर चीज़ें हासिल कर सकते हैं इंशाल्लाह। हमारे एक्शन पर डिपेंड करता है, हम इंफरादी तौर पर और इज्तमाही तौर पर जब तक अपने आप को इकट्ठा करके ग्रो नहीं करेंगे, तब तक हमें रिजर्वेशंस की ज़रूरत पड़ती रहेगी। आसिम भाई, अगर अलग अलग स्टेट्स में 4%, कहीं 3%, कहीं 5%, जैसा कि जैद खालिद साहब ने बताया, लोकल गवर्नमेंट्स ने रिजर्वेशन दिए हैं मुसलमानों को, तो क्या ये आइन के ख़िलाफ़ नहीं है? नहीं, ये आइन का ये है कि हर स्टेट को अपना राइट है, हर स्टेट को राइट दिया गया है कि वो जितना चाहें दे, उन्होंने ऐसा आइन बना के रखा है। नहीं, क्या ये जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है ये मुसलमानों को नहीं दिया जा रहा? नहीं, मुसलमानों कहाँ दिया, मुसलमानों को जो ओबीसी की बात हो रही है वहाँ भी नहीं दिया जा रहा है। अगर सर पूछे तो मुसलमान ओबीसी के सर्टिफिकेट लेने के लिए उसके चप्पल टूट जाते हैं, बड़ी मुश्किल से उसको मिलता है ओबीसी सर्टिफिकेट, जिसमें उनको अलाउ है और वो एक्चुअल ओबीसी हैं, वो ओबीसी सर्टिफिकेट लेने में भी उनको बहुत धक्के खाने पड़ते हैं, और बड़ी मुश्किल से लगता है कि किसी के बाप का कोई खजाना लूटा जा रहा हो, अगर दे दिया तो एक और बढ़ जाएगा उसमें, तो बड़ी मुश्किल से लीगल ओबीसी में ऐलान करने के बाद भी मुश्किल दिया जा रहा है। और अब देख लीजिए आप, 16% आज जो कहा जा रहा है कि 67% हो गया है, कहीं 52% अलाउ है, मतलब कन्फ्यूज़न है। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ कि आज 16% हाई कोर्ट ने कहा कि मराठा समाज को नहीं मिल सकता रिजर्वेशन, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में गया, उसने फिर रिटर्न कर दिया हाई कोर्ट को, लेकिन कहा कि मुसलमानों को 5% एजुकेशन में मिल सकता है, लेकिन मुसलमानों का जो मिल सकता है उसका बिल पास नहीं कर रहे हैं, और जिसको नहीं मिल सकता 16% हाई कोर्ट का है, उसका बिल पास कर रहे हैं, उसके लिए कोशिश कर रहे हैं कि हम जिसको लड़ेंगे सुप्रीम कोर्ट तक, बड़े से बड़ा टॉप का जो है लॉयर रखेंगे, कौन सा रखेंगे। या मैं बड़ी बारीक बात एक पूछना चाहता हूँ कि अगर हाई कोर्ट ये कहता है कि एजुकेशन के क्षेत्र में मिल सकता है या किसी भी फील्ड में मिल सकता है मुसलमान को, मुसलमान होने की हैसियत में रिजर्वेशन, हाँ, तो कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में गुंजाइश तो है मजहब के नाम पर, है गुंजाइश। अब वही तो कह रहा हूँ, एक तरफ अब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब कह रहे हैं कि मैं एडवोकेट जनरल से इसके बारे में तबादले ख्याल करूंगा, डिस्कशन करूंगा, फिर बिल लाऊंगा। अब मैं देख रहा हूँ दूसरी तरफ की
किसी के पिटीशन पर हाई कोर्ट कह रहा है कि 5% मुसलमानों को एजुकेशन में दिया जा सकता है, तो अब वो हाई कोर्ट की बात मानी जाएगी या मुख्यमंत्री साहब की बात मानी जाएगी? तो 100% कास्ट के नाम पर रिजर्वेशन मिला हुआ है, ना कैसे पकड़ो घुमा के पकड़ो, सिर्फ जो है ना तरीका बदलना है और कुछ नहीं करना है। आज हिंदुओं को मिला हुआ है, आज सिख को मिला हुआ है, मुसलमान और क्रिश्चियन को नहीं मिला हुआ है। जैसा कि जावेद साहब ने कहा कि मुसलमानों को मुसलमान होने की हैसियत से रिजर्वेशन पाने से रोका गया, कसदन रोका गया, तो ये आईन के खिलाफ वर्जी नहीं है या आईन इसमें प्रोटेक्ट करता है कहीं? देखिए, मैं कोई लॉ का जानने वाला बहुत नहीं हूँ, लेकिन जब मैं हाई कोर्ट की बात ये सुन रहा हूँ कि मुस्लिम 5% रिजर्वेशन अलाउड इन एजुकेशन, देन अगर एज ए मुस्लिम दिया गया तो फिर उसमें कोई अल्फाज यहाँ से वहाँ करना हो तो कर सकते हैं ना, उसमें कौन सी बात है। चलिए इसे और थोड़ा शुरू से शुरू करते हैं। आसिम भाई, ये रिजर्वेशन, लफ्ज रिजर्वेशन हमारे हिंदुस्तानी समाज में कब, क्यों और कैसे आया, इसकी ज़रूरत क्या पड़ी? ये आया कि जब दलितों के साथ बहुत ज्यादती होने लगी मुल्क के अंदर, उनको पानी नहीं पीने दिया जा रहा है कुएं से, उनके साथ उनको मंदिर में नहीं आने दिया जा रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आई, तो मुझे लगता है कि उस ज़माने में जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और गांधी जी और जो पुराने नेता थे, उन लोगों ने रिजर्वेशन की मांग किया कि भाई इनको समाज के बराबर लाके खड़ा करने के लिए, वो भी कुछ एक टाइम बाउंड था, वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए। अब उसका जो है वोटिंग के लिहाज से इन लोगों ने फ़ायदा उठाकर इसको कंटिन्यू करते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, घटाते जा रहे हैं। वो तो उस वक्त था जबकि एक समाज ऐसा था कि जिस समाज को इंसान ही नहीं समझते थे, उनको जानवर से बदतर समझा जाता था, मुझे लगता है उस वक्त आया था। एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि इसमें अगर फेलियर है तो मुसलमानों के अपने फ्रंट पर भी है। मिसाल के तौर पर जब रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ी जाती है तो मैं ज़ाती तौर पर ये समझता हूँ, जो मैंने स्टडी किया है, कि इसको हम कॉन्स्टिट्यूशनली अगर हम लीगल लेवल पर ये लड़ाई लड़े तो इम्कान जीतने के बहुत ज़्यादा। आर्टिकल 341 में मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं है। बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारी एनजीओ इस पर काम कर रही हैं कि आर्टिकल 341 में मुसलमानों को भी शामिल किया जाए। मुकदमा किस चल रहा है सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट ने यूपीए सरकार को कुछ साल पहले नोटिस भेजा हुआ है कि हमको बताइए कि मुसलमानों को आर्टिकल 341 में क्यों नहीं लिया जाए, इसकी रिप्लाई कीजिए। आज तक जवाब नहीं भेजा है यूपीए सरकार ने, और इसकी वजह मैं बता दूँ आपको। मैं जो समझता हूँ कि आज जो है इस मुल्क में दलित, हिंदू, छोटी जात, बड़ी जात के नाम पर बहुत ज़्यादा जो है आपस में फ़र्क है। इसमें दलित उनके साथ नहीं बैठ सकता, उनके साथ खाना नहीं खा सकता, उनकी मंदिर में नहीं जा सकता, उनके यहाँ पानी नहीं पी सकता। आज भी कितने ब्राह्मण लोग हैं अपने घर में से पानी अगर मांगेंगे आप तो पानी आपको देंगे नहीं, मुसलमान को नहीं देंगे, दलित को नहीं देंगे, कहेंगे हाथ में ऐसे पानी पियो, ऊपर से गिराएंगे। तो मुसलमानों में क्या है, एक ही सफ़ में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। तो अब ये डर उनको, मैं जब तक समझता हूँ कि अगर चाहे रिजर्वेशन अलाउ हो जाएगा मुसलमानों को, तो वो लोग जिनके साथ इस मुल्क में नाइंसाफी हो रही है, जिनको छुआछूत के नाम पर इंसान नहीं बल्कि जानवरों की तरह से उनके साथ हरकत की जा रही है, वो मुस्लिम बन सकते हैं। और मुसलमान बन जाएंगे तो मुसलमानों की तादाद हिंदुस्तान में बढ़ जाएगी, क्योंकि ये वो मजहब है जो कभी आपस में नफरत नहीं सिखाता, आपस में भाईचारगी सिखाता है। एक बहुत बड़ा बादशाह एक 100 करोड़ की मस्जिद बना दे, और अगर आखिर में आएगा तो बाहर ही खड़ा रहेगा वो, और एक फकीर गंदा इमाम के बगल में खड़ा रहेगा अगर पहले आएगा तो। ये हमारा मजहब है, तो मुझे लगता है इसका डर सरकारों को है, क्योंकि बुद्धिस्ट को अलाउ कर दिया। अगर दलित बुद्धिस्ट हो जाते हैं तो उनके ऊपर रिजर्वेशन जारी रहेगा, मुसलमान और क्रिश्चियन हो जाते हैं तब जारी नहीं रहेगा। हाँ, तो इससे साफ जाहिर है कि एक कहीं ना कहीं एक कोई उन्हें खदशा भी है कि वो इस मुल्क की जो डेमोग्राफी है उसमें उनको एक खदशा लगा रहता है कि डेमोग्राफी में उनका जो रोल है कहीं उनकी पोजिशन कहीं कम ना हो जाए, तो ये खतरा कहीं ना कहीं मौजूद रहता है। मैं आप हजरात की बात से ये समझूं आसिम भाई कि आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलसल आज़ादी के बाद से अब तक जो सियासी जमातें पावर में रहीं या जो कोशिशें करती रहीं उन सब का एक मकसद था कि रिजर्वेशन मुसलमानों को इसलिए ना दिया जाए कि कहीं लोगों का इस्लाम की तरफ रुझान बढ़ने लगे। मैं तो ये समझता हूँ, और मैंने इसे बहुत गौर किया है, तो मुसलमान इस मुल्क की आज़ादी से लेकर आज तक हर जगह मुसलमानों ने अपनी कुर्बानी, मैं कहता हूँ, दूसरों से शायद ज़्यादा ही किया होगा, कम नहीं किया होगा। तो फिर मुसलमानों के साथ ये ऐसा क्यों? इसका मतलब ये है कि मुसलमानों की तादाद इस मुल्क में बढ़ने ना पाए। जैद भाई, बड़ी दिलचस्प बात कही है आसिम भाई ने। 60-65 साल से मुसलसल मुसलमानों के साथ होने वाली एक साजिश का पर्दाफाश किया है मेरी निगाह में, अगर मैं इसे कहूँ तो, कि 60-65 साल से तमाम सियासी जमातें इस कोशिश में रहीं कि मुसलमानों को रिजर्वेशन ना मिले, क्योंकि अगर उनको रिजर्वेशन मिलेगा तो ये समाज फले फूलेगा और इस समाज के बढ़ने का अंदेशा है, लोगों के इस समाज में ज़्यादा शामिल होने का अंदेशा है। आपकी क्या राय है? कुरान की आयत, अल्लाह ताला ने फरमाया, वमकरू वमकरल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। उन्होंने चालें चली और अल्लाह ने भी चाल चली, और अल्लाह बेहतर चाल चलने वाला है। अल्लाह की प्लानिंग के आगे कोई प्लानिंग नहीं काम करेगी। लेकिन सही बात तो यह है कि हम मुसलमानों के लिए अपना जायज़ा और अफसोस करने की बात यह है
कि जहाँ एक तरफ मुसलमान दीन से दूर गए वहाँ वो बैकवर्ड कम्युनिटीज़ जो है यहाँ की, बैकवर्ड कम्युनिटी जो समझी जाती है, उससे भी बैकवर्ड हम हैं। वो वजह क्या है? सबसे बुनियादी वजह है कि हम अपने दीन से दूर हो गए। हम देखते हैं कि जिस ज़माने में मुसलमान इस्लाम के करीब हुआ करते थे, उस ज़माने के सबसे बड़े रिसर्चर, सबसे बड़े साइंटिस्ट, सबसे बड़ी डिस्कवरी, सबसे बड़े इन्वेंशंस मुसलमानों में हुए। क्योंकि कुरान में अल्लाह ताला ने 24 जगहों पे जब कहा अफला ताकिलून, अकल नहीं इस्तेमाल करोगे, अफला तुबसिरून, देखोगे नहीं क्या, अफला ततफक्करून, क्या तुम गौर नहीं करोगे, तो अल्लाह ताला ने जब इंसानों को ये कहा कि तुम लोग गौर क्यों नहीं करते, और जब इंसान गौर करना शुरू किए तो नेचुरल बात है डिस्कवरीज होनी थी और हुई अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन जहाँ हम कुरान से दूर हुए, जहाँ हम कुरान की आयतों पर गौर करने से दूर हुए, जहाँ हम इस्लाम से दूर हुए, तो दुनियावी तौर पर भी जिल्लत और रुसवाई हमें मिली, और ये इसका एंड रिजल्ट है। अब हम क्या है कि सिम्टम्स को देख रहे हैं, लेकिन अगर उसका रूट कॉज दिखाया है तो रूट कॉज कहीं अंदर है, और यकीनन आसमान और ज़मीन का निज़ाम चलाने वाला सिर्फ अल्लाह है, और वही है इज्जत देने वाला, वही है जिल्लत भी देने वाला, वही है रिस्क का मालिक। तो यकीनन हम सबको एक दूसरी तरफ भी साथ साथ में गौर करना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि डिस्कशन में जो बात हो रही है ये डिस्कशन से हम फोकस हटाकर वही बात कह दें, ये बात भी होनी चाहिए, लेकिन साथ साथ में हमें वो अपना जायजा भी लेना चाहिए। जी आप कुछ कहना? देखिए मेरा ध्यान जाता है सर सैयद अहमद खान साहब की तरफ। जब उन्होंने अंग्रेज़ी पढ़ाई की तरफ, दुनियावी पढ़ाई की तरफ रुझान दिया तो उलमाए कराम ने उन पर फतवा लाया, कुफरीत का फतवा लाया, बहुत उनको बेइज्जत किया गया, पत्थर से मारा गया, उनको लहूलुहान किया गया। और मैं पढ़ता हूँ किताबें, मैंने पढ़ा है इस मुल्क के अंदर अगर चेस साइंस दा कोई था, अलजबरा किसने ईजाद किया, बड़ी बड़ी साइंस की रिसर्च किसने किया, तो वो मुसलमानों का नाम आ रहा था। लेकिन उलमाए कराम ने फतवा जारी किया, वो किताब मेरे पास है, जारी किया कि मुसलमानों को इस लाइन को छोड़ना चाहिए, उधर ज़्यादा नहीं जाना चाहिए, और हम लोग कम होते गए। सर मैं आपकी बात की तायद कर रहा हूँ। नहीं तो आज ये सारी चीज़ें मुसलमानों की पैदा की हुई, आज कंप्यूटर दुनिया में आ रहा है, आज जो सब दिखाया जा रहा है, इसकी सारी की सारी ईजाद ए टू जेड मुसलमानों की ही है, लेकिन हमें उससे दूर कर दिया गया, जाने बुझी साजिश गया। हमें इस्लामी तालीम, शरीयत के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, सबसे ज़रूरी है। उसके साथ साथ अगर हम ये लेकर नहीं चलेंगे, इससे जो कुछ तबके ने दूर किया है उसका खामियाजा हमको इस मुल्क में भुगतना पड़ रहा है। सच्ची बात कही सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह की बात हुई तो सर सैयद रहमतुल्लाह अलैह का स्टेटमेंट है कि मैं अपनी कौम के हर बच्चे को इस रूप में देखना चाहता हूँ कि जिसके एक हाथ में दुनिया की किताबें हों, एक हाथ में साइंस के आलात हों, और सर पे कुरान पाक और माथे पे कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह हो। यकीनन आसिम भाई और जैद भाई जो बात कर रहे हैं वो मिला जुला यही सब कुछ है। और साथ साथ नाजरीन मैं आपको बताऊँ कि एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट, बहुत बड़ा पेंटर लियोनार्डो दा विंची, जिसने मोनालिसा का बनाने वाला पेंटर लियोनार्डो दा विंची, उसको वो चर्च में तस्वीरें बनाया करता था और उसको सज़ा इस बात के लिए दी गई थी, चर्च से निकाल दिया गया था, उसको अपना मुल्क छोड़ना पड़ा था क्योंकि वो साइंसी तजुर्बे करने लगा था। उसने हेलीकॉप्टर का एक स्केच दुनिया की तारीख में सबसे पहले उसने बनाया और उसको सज़ा दी गई कि ये साइंस के तजुर्बे करने लगा और ये तो मुसलमानों का काम है, ये ऑन रिकॉर्ड बात। इसका और नुकसान हुआ कि जो दीन में और दुनिया में फ़र्क किया गया और ये समझा गया कि जैसे हिकमत का कोई दखल कुरान और सुन्नत को समझने में नहीं है, इसका एक बड़ा नुकसान ही हुआ इस दूरी से कि पिछले 200 साल के अंदर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद में जिस तरह का माहौल दुनिया में डेवलप हुआ वो एक खास लॉबी ने किया। वो लॉबी थी एक वेस्टर्न लॉबी जो एक कॉरपोरेट लॉबी थी। उस लॉबी ने वहाँ पर मजहब को बाज़ाब्ता तरीके से बदनाम करके बाहर करने की कोशिश की, क्योंकि उनको लगता यह था कि अगर तिजारत को आगे बढ़ाना है, अगर इंसानी कमजोरियों की तिजारत करनी है तो उसमें मजहब सबसे बड़ी रुकावट है। और उन्होंने साइंस में भी बाकायदा, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि साइंस में उन इकोनॉमिक फोर्सेस के इशारों पर यह काम किया गया कि यह तय किया गया कि फिजिक्स की सारी थ्योरीज या बायोलॉजी की थ्योरीज, साइंटिफिक थ्योरीज अल्लाह के वजूद के बगैर डिस्कस की जाएंगी, गॉड का जिक्र कोई उसके अंदर नहीं आएगा। वो वजह यह हुई कि चूंकि मजहब कहीं कमजोर हो गया और उस मजहब में ईसाइयत भी कमजोर हुई और कहीं इस्लामी उलमा ने, उलमा दानिश्वर ने भी वो रोल अदा नहीं किया जो उनको करना चाहिए था। अगर उलमा इस्लाम के जेरे निगरानी वो सारा साइंटिफिक डेवलपमेंट और इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ होता तो आज हालत कहीं दूसरा नजर आते। आज दुनिया में इकोनॉमिक डिस्पेरिटी जिस कदर फैल गई है, जिस कदर फहाशी, जिस कदर उरियानियत फैली, कुछ और नजर आती। और आज साइंस जो थ्योरीज दे रही है, ऐसी थ्योरीज दे रही हैं जिनमें जोर इस बात पर है कि खुदा का वजूद नहीं है, उन थ्योरीज का मुकाबला किया जा सकता? साइंस एक फलसफा है, एक प्रैक्टिकल साइंस है। प्रैक्टिकल साइंस तो सही है लेकिन फिलॉसफी के पीछे बाकायदा साजिशें काम करती रही हैं और उस साजिशों का मुकाबला जो मुसलमानों को करना चाहिए था उस साजिशें करने में नाकामयाब रहे। और चुनाचे हुआ कि रिजर्वेशन के मामले में भी हिंदुस्तान में अगर देखें आप, अगर रिजर्वेशन में हम उस तहरीक में अभी तक नाकामयाब रहे तो उसकी एक वजह हमारे आपसी इख्तलाफात भी हैं। हमारे अंदर की जो अपर कास्ट लॉबी है वो ये शोर मचाते रहे हैं कि नहीं साहब मुसलमानों को बहसीत मजमू
रिजर्वेशन मिले, चूंकि उनके कहीं जहन में यह है कि अगर रिजर्वेशन मिलेगा उसका ज्यादा फायदा उनको हो जाएगा। और जो लोअर कास्ट बैकवर्ड क्लासेस कम्युनिटी है उनका तकाजा यह है, वो ये कहते हैं कि नहीं साहब सिर्फ बैकवर्ड क्लासेस को मिलना चाहिए, मुसलमानों को बहसीत मजमूई नहीं मिलना चाहिए। और उनमें बैकवर्ड क्लासेस में भी इस कदर कन्फ्रंटेशन और इतना मैंने मायूसी देखी है कि मैंने एक एमपी के मुंह से ये बात सुनी कि साहब ये कहना कि इस्लाम में कास्ट की बुनियाद पर फैसले नहीं होते ये भी कोई सही बात नहीं है। इस्लाम में सैयदों को कास्ट की बुनियाद पर जकात और सदक़े से उनको रोक दिया गया, मनफी बात है। हाँ, और उसके अलावा जो है गुलामों को एक खास दर्जा दिया गया। तो बैकवर्डनेस की बुनियाद पर इस्लाम में भी गुंजाइश मौजूद है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। अमीरों में और गरीबों में और मुख्तलिफ कास्ट में जो फर्क है वहाँ वहाँ भी मौजूद है, ऐसा नहीं है। ये जो आपने बड़ी अच्छी बात उठाई और ये मुस्लिम रिजर्वेशन से बड़ा क्लोज जाती है कि सैयद या सैयदजादे को जो इस्लाम की सबसे बड़ी चैरिटीज हैं जकात और सदका और ये सब देने से रोक दिया गया, लेकिन कहीं भी सैयद तो पूरी इस्लामी तारीख में कहीं भी जो है वो पैसे वाले नहीं रहे। देखिए इसमें एक बहुत अहम बात बता दूं कि सैयद जो हम कई बार यहाँ सुनते हैं कि हम सैयद हैं, हमारे ख़ानदान सैयद है, तो एक यहाँ पे बहुत अहम बात है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मेरे लिए और मेरे अहले बैत मेरी फैमिली के लिए मना है, सदका हराम है। तो सदक़े का फ़र्ज सदका है ज़कात, सदका भी हराम है और फ़र्ज सदका ज़कात, ज़कात भी हराम है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली में से जो लोग हैं ये उनके ताल्लुक से हैं। अब कोई है जिसका लिनेज क्या सचमुच अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली से कनेक्ट होता है या नहीं कनेक्ट होता है, ये भी एक बात है। लेकिन ये बात अपनी जगह है कि सिचुएशन पर डिपेंड होगा, और किसी को अपनी सिचुएशन का एडवांटेज ना उठा सके कि भाई मैं तो अहले बैत में से हूँ हमारे पास ही सब रहेगा और तुम लोग सब डिप्राइव्ड रहो, तो उन्हें उस चीज़ से मना ही कर दिया गया टोटली, ताकि वो उसका एक गलत एडवांटेज लेने वाले लोग जो हो सकते थे वो ना रहे। और जो स्लेव्स है गुलाम है तो गुलाम को अपनी सिचुएशन के हिसाब से कुछ एडिशनल राइट्स दिए गए ताकि उनकी हिफाजत हो सके, उनके लिए पनिशमेंट आदि है। तो ये बात से हम ये देखते हैं कि कहीं ये सिचुएशन में जो लोग कहते हैं कि ये टोटली इस्लाम के खिलाफ ही रिजर्वेशन, हम कहते हैं ये सिस्टम हम इसकी पूरी तायद नहीं कर रहे हैं, लेकिन कुछ गिवन सिनेरियो के अंदर कोई प्रॉब्लम को वक्ती तौर पर सॉल्व करने के लिए और वक्ती तौर पर बल्कि इसको फाइन ट्यून और होना चाहिए, लेकिन जब जो सिस्टम है हम वही सिस्टम के साथ काम कर सकते हैं और वो सिस्टम में जब ये प्रोविजन है और जो प्रोविजन इस्तेमाल कर रहे हैं लोग तो वो प्रोविजन में हमें भी करना चाहिए। बाकी मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ। उसमें एक एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखिए जब रिजर्वेशन हुआ है तो रिजर्वेशन में एक चीज़ और जिसने ज़बरदस्त मुसलमानों को नुकसान पहुँचाया है कि वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं। जो अमीर गैर मुस्लिम थे, हिंदू थे, जिनको रिजर्वेशन नहीं मिल रहा लेकिन चूंकि उनके पास पैसा है उन्होंने बड़े तादाद में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर लिए, तो एक तरीके से उनका भी रिजर्वेशन हो गया कि आज किसी बड़ी यूनिवर्सिटी में जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एडमिशन कौन ले पाता है, वो अपर कास्ट लॉबी जो वहाँ नहीं मिल रहा लेकिन उन्होंने उस कमी को वहाँ पूरा कर दिया, पूरी की पूरी इंडस्ट्रीज़ पर वो हावी हैं। तो मुसलमान तो हर तरीके से महरूम हो गया, कभी कहीं किसी बुनियाद पर कहीं बहुत बहुत अच्छी बात कही है जावेद साहब आपने। आसिम भाई, जावेद भाई ने एक बड़ा अच्छा सवाल उठाया कि एक तबका जो है वो रिजर्व होके उसे राइट टू एजुकेशन मिल गया, दूसरे तबके ने एजुकेशन देने का काम संभाल लिया और इस पूरे फ्रेम में कहीं मुसलमान बाहर निकाल दिया गया। अब वो लोग जिन्हें रिजर्वेशन नहीं है वो एजुकेशन दे रहे हैं तो उन्हें तो सारी मराहत वैसे ही हासिल है, और वो लोग जिन्हें एजुकेशन सरकारी तौर पर दी जा रही है, जिन्हें रिजर्व होकर दी जा रही है, उन्होंने अपना एक समाज बनाना शुरू कर दिया, एक ऐसा समाज जिसमें मुस्लिम कौम के लिए कोई जगह नहीं। देखिए मैं हिंदुस्तान की बात करूँ अगर, तो हम रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं आज, मैं रिजर्वेशन के साथ साथ हर शोबे की बात करूँ आप। जी जी जी। तो सबसे बड़ी गलती हुई है हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा मुसलमानों के लिए। मुसलमान इस मुल्क में जो है 50-50, 60-60% अच्छी नौकरियों में था, बट गया जो हमारी इंटेलिजेंसिया थी, हमारे पढ़े लिखे लोग थे, जो बड़े पैसे वाले लोग थे, जो जमींदार तबका के लोग थे, वो चले गए पाकिस्तान, एलीट क्लास भाग गया। लुत्फ की बात इस पर ये मजीद कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी या जो दूसरे माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं उनमें 50% रिजर्वेशन कर दिया गया नॉन मुस्लिम्स का। गोया ये कि अगर बाकी सारी जगहों पर तो मुसलमानों को उनकी आबादी के साथ मिल ही नहीं रहा है, वहाँ भी 50% रिजर्वेशन की पाबंदी है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में। मांग उठाई हैं लोगों ने, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ नहीं है। 50% का रिजर्वेशन ही है मुसलमानों के लिए, 85% का रिजर्वेशन है माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस में, उससे ज्यादा नहीं हो सकता। माइनॉरिटी 50% मुसलमानों के लिए, इसका मतलब 50% आपने रिजर्व कर दिया गैर मुस्लिमों के लिए। नहीं नहीं, उसमें 50% के बियॉन्ड भी हो जाते हैं, 50% मिनिमम है। ऐसा नहीं है कि 50% बांट दिया गया कि 50% गैर मुस्लिम होंगे और 50% मुस्लिम होंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि आप अगर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में जाएं तो आपको बहुत सारे शोबों में 80% तक मिलेंगे मुसलमान, और बहुत सारे शोबे ऐसे हैं जिसमें 70-80% तक नॉन मुस्लिम मिलेंगे। इंजीनियरिंग मेडिकल तो अगर 50% का ऐसा कोई रिजर्वेशन होता वहाँ अलीगढ़ में स्पेसिफिकली मैं बताऊँ, क्योंकि मैं खुद अलीगढ़ियन हूँ, वहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल का रिजर्वेशन है।
आप मेडिकल कॉलेज में वहाँ जाइए 80% तक नॉन मुस्लिम्स हैं, इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जाइए 70-80% नॉन मुस्लिम्स हैं, 20-30% मुसलमान नज़र आते हैं। और अलीगढ़ मूवमेंट जो है अपनी 80% रिजर्वेशन की लड़ाई लड़ रहा है बरसा बरस से। उनकी लड़ाई ये है कि 80% क्योंकि बीइंग माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन उनका यह हक है कि उन्हें 80% अभी तक तय नहीं हो पा रहा है कि माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है अभी तक तय नहीं। सच्ची बात है, बात तो यह है जिस इंस्टीट्यूशन के लिए पैसे जमा हुए, जिसका नाम मुस्लिम यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है, जिसके लिए 20 लाख रुपया उस जमाने में जब पैसे नहीं थे, पहले 10 लाख 15 लाख 20 लाख रुपया उसकी सिक्योरिटी माइनॉरिटी के नाम पर जमा की हुई है। इस मुल्क में कहा जा रहा, अदालत कह रही है कि वो माइनॉरिटी नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक जज साहब ने कह दिया कि मुसलमान यूपी में माइनॉरिटी में नहीं है, यानी माइनॉरिटी मतलब 49% और मेजॉरिटी मतलब 51%। अच्छा, यहाँ आसिम भाई एक बड़ा अजीब सा सवाल ये उठता है कि ये सारी ज्यादती अपनी जगह, ये सारे अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन अपनी जगह, कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहसियत कौम इन तमाम परेशानियों को अपने ऊपर लाद चुके हैं और कहीं ना कहीं हमने अपनी सलाहियतों को पूरी तरह से इस्तेमाल करना बंद कर दिया ये सोच के कि इस मुल्क में तो हमारे साथ नाइंसाफ़ी होती है, इस मुल्क में तो हमें कुछ मिलने वाला है नहीं। नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा, कोशिश तो जारी है चारों तरफ। आमतौर पर आम हिंदुस्तान की बात और आम हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं नहीं, कोई ये बात किसी हद तक सही है कि जो एफर्ट हमारी अपनी तरफ से होनी चाहिए, जो कोशिश होनी चाहिए वो नहीं है। सो वो एफर्ट उतनी नहीं है, दोनों तरफा बात है। देखिए, हुकूमत की अपनी कमियां हैं, अपनी ज्यादतियां हैं, कमियां क्या क्या ज्यादतियां हैं बाकायदा, और जो दीगर अकवाम से जुड़ी हुई ऑर्गेनाइजेशन उनकी ज्यादतियाँ हैं, लेकिन खुद मुसलमानों की भी अपनी कमियाँ अपनी कमजोरियाँ हैं। उन्हें जिस हद तक कोशिश करनी चाहिए थी, जिस हद तक एफर्ट करनी चाहिए थी, जिस तरह इदारे कायम करने चाहिए थे, आज एजुकेशन एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक सेक्टर बन गया है, लेकिन मुसलमान उस एजुकेशन सेक्टर में मुस्लिम इदारे जो मुसलमानों के कायम किए वो ना के बराबर। भाई साहब, मैं MLA हूँ मुंबई में, मेरे एरिया में कोई भी स्कूल कॉलेज नहीं है। मेरे बगल में दलित एरिया है, वहाँ के MLA को जगह मिल गई, उसने कॉलेज बना दिया। मैं 5 साल से कह रहा हूँ कि आप कॉलेज बनाओ, नहीं तो मुझे जगह दे दो, पैसे में दे दो जगह, मैं कॉलेज अपने पैसे से बनाऊंगा। मुझे जगह नहीं मिले, मैं कैसे बना दूं? मुस्लिम आज जा रहा है जगह मांगने के सरकारों की तरफ से, उसको नहीं मिली जगह, और कई 100 करोड़ की जगह 2 रुपए में नॉन मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन को दी जा रही है। मैं प्रूफ कर दूंगा, तो कहाँ से मुसलमान खोलेगा? पॉलिटिकल, जितने लोग खोल रहे हैं कॉलेजेस, उनको पॉलिटिकल कहीं ना कहीं से बैकिंग है, और बैकिंग होने से उनके पास पैसे के बगैर वो अपने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन खोल रहे हैं, और हमें ज़मीन भी जो है ना जो भाव से मिल रहा है वो भी नहीं दी जा रही है। तो इसमें मुसलमान इसकी वजह से भी थोड़ा पीछे है। अच्छा, यहाँ पर बड़ा एक अजीब सवाल उठता है आसिम भाई, कि हम बहुत जो इमोशनल इश्यूज होते हैं, कहीं कुछ हो गया फलां फलां, हम इकट्ठे होकर किसी ना किसी मैदान में बड़े एहतजाज करते हैं। अब आपने बड़ा जेन्यून इशू ये उठाया है कि आपके अपने एरिया में एक कॉलेज की कमी है जो नहीं है, और आप अपनी तरफ से ऑफर दे रहे हैं कि मैं पैसा लगाने के लिए तैयार हूँ, सरकार ज़मीन नहीं दे रही, आसपास ज़मीनें मिल रही हैं, आसपास के कॉन्स्टिट्यूएंसीज में लोग दलित के नाम पर कॉलेजेस बन रहे हैं और कारोबार हो रहे हैं, तो क्या हम और हमारी कौम मिलकर कोई एहतजाज इस टॉपिक पर नहीं करती? आपके साथ आगे नहीं खड़े होते कि आइए हम ज़मीन के लिए आवाज़ उठाएं, एक अनशन करें, एक किसी मैदान में इकट्ठे हों और सरकार को जगाएं और सरकार को ये बताएं कि हमें और हमारी नस्लों को अच्छे कॉलेजेस की ज़रूरत है, और हमारे साथ एक शख्स खड़ा है जो अपना सरमाया लगा के इस कौम के लिए कुछ करना चाहता है, तो उसकी मदद करो। नहीं, लोग इकट्ठे होते नहीं, आवाज़ उठाते, सही बात है बिल्कुल, जो जितना उस पर वो होना चाहिए। नहीं, इसमें मुझे अर्जी करना है कि देखिए, इसमें मैं माफ़ी के साथ में मैं आपकी आपकी बात काटने की बात कर रहा हूँ। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है, हमारा आवाम एजुकेशन के नाम पे इकट्ठा होने को अवलियत ही नहीं देता, ये हमारे यहाँ रिवाज ही नहीं है? नहीं नहीं, वो वजह एजुकेशन के नाम पे जान दे दें। वजह वही है कि हमारे हमारे मुल्क में सियासत एज ए होल भी कहीं ना कहीं इमोशनल बेस्ड है, और खास तौर पर मुस्लिम सियासतदानों की मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं ये कमी रही है कि वो जज्बाती इशूज़ को उन्होंने ज़्यादा रेस किया है। हमारी जो पॉलिटिक्स है वो रिएक्टिव हो गई है, हम प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स है ही नहीं हमारी। हम दूसरे कुछ बात कहते हैं, हम उसका रद्दअमल पैदा करते हैं, वो कुछ आवाज़ उठाएंगे, हम सिर्फ जवाब देंगे। हम हमारे अपने इशूज़ जनरेट करने की आर्ट हमारे अवाम में और सियासतदानों के अंदर अभी तक डेवलप होना बाकी है, उसको ज़बरदस्त डेवलप होना चाहिए कि हम अपने इश्यूज़ खुद जनरेट करें, और हमें पता हो कि अपने इश्यूज़ हमारे इश्यूज़ ज़रूरी नहीं कि वो मुसलमानों से मुतालिक हो, लेकिन हमारे नज़रिए के मुताबिक एक नेशनल इश्यूज़ भी हो सकते हैं, उन पर हम अपनी राय देने की सलाहियत रखते हों, उसको सियासी मूवमेंट बनाने की। सियासत सिर्फ इतनी नहीं है कि इलेक्शन में जाकर वोट देना है, सियासत उससे ज़्यादा कहीं बड़ी चीज़ है। इश्यूज़ को हाईलाइट करना, उनको जहाँ तक पहुँचना चाहिए पहुँचाना, पब्लिक को मोबिलाइज करना, ये सबसे सियासत का अहम हिस्सा है, जिसमें हम कहीं ना कहीं हम सब लोग बहसियत मजमू कहीं ना कहीं पिछड़ गए। जैद भाई, ये जो बड़ी अच्छी बात कही अभी जावेद साहब ने, रिएक्टिव और प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स की, तो रिएक्टिव और प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स में मुसलमान आपकी राय में कहाँ पिछड़ा हुआ है? क्या मुसलमान इस मुल्क में सिर्फ पिछले 60-65 सालों से रिएक्टिव पॉलिटिक्स में खोया हुआ है? देखिए, जिस दीन में कहा गया है कि बेहतरीन तुम्हें वो है जो अनफाहुम लिन्नास, लोगों के लिए सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद हो, बेनिफिशियल हो,
तो फ़ायदा पहुंचाना ये एक मुस्लिम का काम होना चाहिए। मुस्लिम सिर्फ इंक्लूसिव नहीं सोचता है बल्कि एक्सक्लूसिव सोचता है, पूरे माशरे के बारे में सोचता है। हम देने वाले बने बल्कि लेने वालों की जगह हमारा रोल ये होना चाहिए कि हम देने वाले बन जाएँ। और यकीनन एक इंसान जब कोई चीज़ करना चाहता है तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ते खोलता है। कुरान की सूरह कबूर की आयत है सूरह 29 आयत नंबर 69 कि अल्लाह ताला ने कहा वल्लदीना जाहदुफीना लना हदियन्नहुम सुबुलना, जो हमारे रास्ते में जद्दोजहद करते हैं हम उन्हें अपने रास्तों की हिदायत देते हैं। तो यकीनन हम देखते हैं पॉलिटिकली भी जो हम एक बिल्कुल मजबूर माइनॉरिटी हैं, इसके अंदर बहुत कुछ है जो हम कर सकते थे। सोशली बहुत कुछ है हम जो कर सकते थे, एजुकेशनली बहुत कुछ हम कर सकते हैं। सबसे बेस्ट डिस्कवरीज आनी चाहिए थी हमारे मदारिस से, जो दीन के ना सिखाया गया अल्लाहुम्मा इन्नी असलुका इल्मन नाफिया, अल्लाह मैं तुझसे मांगता हूँ नफ़ा देने वाला इल्म, बेनिफिशियल नॉलेज। तो सारा नफ़ा देने वाला इल्म, चाहे वो साइंस क्यों ना हो, चाहे वो मैनेजमेंट स्टडीज़ हो, कंप्यूटर्स क्यों ना हो, ये सब हमारा इल्म है। तो जो बेस्ट डिस्कवरीज जो आनी चाहिए थी वो आने की जगह हम देखते हैं कि एक टाइप की डाइकॉटमी दिख रही है। कोई है जो सिर्फ दीन स्टडी कर रहा है और कुछ जो दुनियावी तालीम हासिल करते हैं तो वो बिल्कुल दीन से दूर हो जाते हैं। और हमें ये दोनों के मिलना, ये जो मिलना चाहिए जो दीनी तालीम और दुनियावी तालीम, ये सब हमारी है। क्योंकि सबसे ज़्यादा नफ़े वाला इल्म तो आखिरत का इल्म है, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जो दुनियावी तौर पर भी जो नफ़े वाला इल्म है जिससे किसी को फ़ायदा पहुँचा सकते हैं वो भी तो हमारा इल्म है। तो ये चीज़ के ताल्लुक से एक जो हमारी सोच है ना, देखिए आप खुद देखिए कॉन्ट्रडिक्शन कि आपने खुद मेंशन किया कि मुस्लिम यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी कई सारी हैं जहाँ पे रिजर्वेशन वगैरह कोई बहुत इशू नहीं है। 50% तो है ही, कॉन्स्टिट्यूशन ने राइट दिया है, लेकिन वहाँ पे भी सारी मुस्लिम सीट्स फुल नहीं हो पाती हैं। हाँ, तो एक बात काबिल गौर है, कहीं तो कुछ हमारी बात काबिल गौर है जो सोचना है हमें। तो एक वो थिंकिंग लेवल पर, आइडियोलॉजिकल लेवल पर भी ये सोच बदलेगी तो रिजल्ट भी बदलेंगे माशरे में। सोच अगर नहीं बदलती है तो हो सकता है कि बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आ जाए लेकिन फिर भी लोग उस चीज़ को इस्तेमाल ना कर पाएँ। बड़ी अच्छी बात आपने उठाई है यहाँ पर कि इल्म को और इल्म हासिल करने वालों को हमने आम तौर पे दो तबकों में बांट लिया है या बट गए हैं। एक वो जो दुनियावी उलूम हासिल करते हैं, एक वो जो दीनी उलूम हासिल करते हैं, और उनके बीच आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं रहा है। मैं उस पर बात करूँगा और उन बच्चों के मुस्तकबिल की तरफ आऊँगा और उन बच्चों के एजुकेशन की तरफ आऊँगा कि जो मदारिस में पढ़ते हैं और मदारिस में एजुकेशन लेते हैं लेकिन उसके बाद उनका मुस्तकबिल क्या होता है, क्या उन्हें किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत है। लेकिन उससे पहले मैं आसिम भाई की तरफ आता हूँ इस सवाल के साथ कि अभी जावेद साहब ने रिएक्टिव पॉलिटिक्स और प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स की बात की। अगर हम रिएक्टिव पॉलिटिक्स के नज़रिए से इस रिज़र्वेशन के इशू को देखें तो क्या मुसलमान हिंदुस्तान में रिज़र्वेशन सिर्फ इसलिए मांग रहा है कि दूसरी कौमों को रिज़र्वेशन मिला है और उसकी बुनियाद पर उन्होंने तरक्की की है? मुसलमान भी इस मुल्क का रहने वाला है, अगर मुसलमान के बच्चे पढ़ने जा रहे हैं और अच्छे पढ़ने में हैं लेकिन उनको अगर सीट नहीं मिल रही है और जो लोग पढ़ने में कमज़ोर भी हैं और उनको रिज़र्वेशन के बेस पर मिल जा रहा है, मुसलमान जा रहा है MBBS में एडमिशन लेना चाहता है, रिजर्वेशन वालों को फ्री एडमिशन मिल जा रहा है और डॉक्टर बन जा रहा है, और मुसलमान जा रहा है तो उसको एडमिशन नहीं मिल रहा है और उसको मिल रहा है तो बहुत पैसे भरने पड़ते हैं। तो दोनों चीज़ देखी जाती है, तो मुसलमान को रिजर्वेशन मिलना चाहिए। ये मुसलमान को मिलना चाहिए लेकिन और भी कौमें हैं जिनको नहीं मिल रहा है, और सबको मिल रहा है, जैसे अपर क्लास है, ब्राह्मण क्लास है या इस तरह की जितनी भी क्लासेस हैं, अगर ऑलरेडी जैसे अगर हम महाराष्ट्र में मान लें 67% लोगों के हालात इस मुल्क में इकोनॉमिकल बहुत ख़राब हैं, बहुत ज़्यादा ख़राब है। ऑन द होल मुसलमानों की जब सर्वे लिया गया तो मुसलमान के बारे में कहा गया कि मुसलमान SC और ST से भी कमज़ोर है, इसलिए मुसलमानों को प्रायोरिटी होना चाहिए। ज़्यादा हक है मुसलमान, कोई रिएक्टिव पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं है, नहीं बिल्कुल नहीं, प्रोएक्टिव पॉलिटिक्स का 100% उसको अगर आगे जाना है तो अभी उसको MLA बनना है, लड़ना चाहता है वो एरिया, उस एरिया वो एरिया रिजर्व कर दिया गया, वो लड़ी नहीं सकता। हाँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। रिजर्वेशन के नाम पर मुझे याद आया, मैं मुसलसल अपनी सीट पर देखता रहा मेरे नेटिव प्लेस पर, मेरी याद में कभी भी पार्लियामेंट की सीट वहाँ पर आज़ाद नहीं थी, रिजर्व थी, जबकि पूरी आबादी मुस्लिम आबादी है वहाँ पर। और जिस वक्त आज़ाद की गई, अभी दो इलेक्शन पहले उसको फ्री किया गया, उसका परिसीमन अलग कर दिया गया, बिल्कुल ऐसा कर दिया गया कि आधा टूट के दूसरी तरफ चला गया, बिजनौर की सीट की बात जानबूझ करते हैं जी, और आधा मुजफ्फरनगर से मिला दिया गया, जबकि मुजफ्फरनगर और बिजनौर दोनों के कल्चर में, दोनों की जबान में, दोनों के रहन सहन में और दोनों की सोच में इसी कदर फ़र्क है जितना महाराष्ट्र और नॉन महाराष्ट्र में आप एक हद तक कह सकते हैं, उसके बाद वो मिला दिया गया। क्या इस तरह की कोई साजिश सचमुच होती है? बिल्कुल बिल्कुल होती है, 100% होती है। अगर जानबूझ के बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जैसे मुंबई में कुरला एरिया है, वहाँ मुसलमानों की अच्छी मेजोरिटी है, वो सीट रिजर्व 25 साल के लिए हो गए दलित के लिए, SC ST के लिए रिजर्व है, मुसलमान वहाँ का इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता है, अगर मुसलमान भी SC ST में आता वो भी तो लड़ सकता था। तो आसिम भाई, यहाँ हमारे पास कोई एहतजाजी तरीका है? हम क्या जाके सवाल नहीं कर सकते कि ये परिसीमन इस तरह के अगर होते हैं या रिजर्वेशन होते हैं तो इनकी बुनियाद क्या है, क्यों होते हैं? सर रोज़ होते हैं, बातें रोज़ की जाती हैं, रोज़ चिल्लाया जाता है, वो लोग जो हैं उनके पास कोई स्टेटिस आती है कि भाई यहाँ पर ज़्यादा कम्युनिटी है और वो कम्युनिटी अगर आपने आज तय कर लिया तो 25 साल तक, 5 साल के बाद वहाँ पे लोग दूसरे लोग जाके बस गए, ज़्यादा लोग वहाँ पे आ गए, उनका बढ़ गया,
तो 25 साल के बाद ही फिर वो जो है नहीं, हमको मुस्लिम कौम को ऐसी स्ट्रेटेजी अपनाए कि ऐसा होते ही एहतजाज करे। और मेरा भी इस तालुक से सवाल है कि जैसे एक हदीस है, अंतुम आलमू फी उमूरी दुनिया को, तुम्हारे दुनिया के मामले में तुम लोग ज़्यादा जानते हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, सही बुखारी की हदीस है। तो अब ये मैटर में आप बेटर बता सकते हैं कि हम बात तो कर रहे हैं कि होना चाहिए, लेकिन कैसे हासिल हो सकता है और क्या रियली हासिल हो सकता है, और हासिल हो सकता है तो क्या रोड मैप होना चाहिए, क्या क्या स्टेप्स होने चाहिए। और एक और सवाल मैं शायद एज अ दिस पार्टिसिपेंट ये भी कहूँगा कि अगर नहीं हासिल हो पाया तो क्या? देखिए, हासिल होने के लिए हमको पॉलिटिकल पावर चाहिए। जब तक हमारे पास असेंबलीज ऑफ पार्लियामेंट में हमारी नुमाइंदगी इतनी नहीं आ जाए कि हम लोग अपनी बात को मनवा सकें, उस वक्त तक मुझे लगता है कि हम लोग नहीं कर सकते। हमें दूसरी चीज़ है, हासिल करने के लिए हमको एक साथ इकट्ठा होना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहूँगा कि मुस्लिम पार्टी बना के इकट्ठा हो जाइए, मुसलमान एक साथ जाओ जाओ और बार्गेन करें एक पार्टी से, भाई हमारी तादाद 20% है, हम आपको वोट देंगे, हम किसी हिंदू लीडर को अपना लीडर मानेंगे, कोई मुसलमान लीडर नहीं कह रहे हम, ताकि कहीं भी इसके अंदर फिरका परस्ती नहीं आना चाहिए, और हमारे ये सवालात को हल कीजिए तो हल हो सकते हैं। लेकिन हम लोग शिया सुन्नी देवबंदी बरेली में बटे हुए हैं, ये कुछ हो ही नहीं पाता है। हमारी इकट्ठा और जानबूझ के सरकारें जो है हमें बांटती हैं कि ये इकट्ठा होने नहीं पाए, एक बहुत बड़ी साजिश है, इस वजह से हमारा ये काम नहीं हो पा रहा है। और क्या क्या तरीके इसके लिए हो सकते हैं आसिम भाई, जो आप समझते हैं कि एक तो ये हुआ कि हम इकट्ठे हो जाएं, एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, मुख्तलिफ सियासी जमातों से बारगेन करें, उनसे चाहें कि हम आपको ये 20% अपनी नफरी दे रहे हैं, हम अपनी सपोर्ट दे रहे हैं, आप बदले में हमें रिजर्वेशन दीजिए, या हमें हमारी इक्तसादी हालात या हमारे जो एजुकेशनल हालात हैं वो ऊपर उठें, उसके लिए कुछ कीजिए। इसके अलावा और क्या रास्ते हो सकते हैं? हम बहसियत फ़र्द और बहसियत कौम इंडिविजुअल लेवल पर क्या ऐसा कर सकते हैं? आपस में कौन सा वो गुरु मंत्र है जो हम फूंक सकते हैं? वो कौन सा ये कहिए कि ऐसा हल है जो हम लाके अपनी कौम में किसी मंत्र की तरह फूंक दें कि वो अचानक कौम जाग जाए और उस पर काम शुरू हो जाए, ऐसा क्या हो सकता है? देखिए, ये है कि बहुत सारे लोग आज भी मुस्लिम कम्युनिटी है NGOs बना करके बच्चों को तालीम दिलाना, कॉलेजेस खोलना, बहुत लोग काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं काम कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा और अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है। हमारी कौम में आज जो है ना बिल्कुल से मायूसी हो गई है, बच्चे जो है ड्रग्स में लगे हुए हैं, बच्चे पढ़ाई की तरफ ध्यान देते नहीं है, उनको एक ये हो गया कि भाई हमें नौकरी तो मिलेगी नहीं इसलिए पढ़ के फ़ायदा क्या है, और बच्चे जो हाई स्कूल जाते जाते छोड़ देते हैं, और दूसरी चीज़ गुर्बत इतनी है कि बच्चों को पढ़ाने की पैसे वो नहीं है। इन चीज़ों पे इकोनॉमिकल सोचा जाए, सब लोग मिलकर इस पर काम कर रहे हैं और थोड़ा ज़्यादा होना ज़रूरत है। और मुझे लगता है कि अब जो है 92 के बाद से ज़रूर इसमें कुछ ना कुछ बदलाव आया है और लोग आगे बढ़ रहे हैं और इस लाइन में लोग अच्छा काम कर रहे हैं। जावेद साहब, एक चीज़ जो देखिए इसमें जिसकी ज़रूरत है और जो नहीं हो रही है वो है सिविल सोसाइटी। हमारे यहाँ सिविल सोसाइटी का कोई तस्वीर अभी तक नहीं है। हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि अगर मसाइल की लड़ाई लड़नी है तो वो काम सिर्फ MLA MP या जो पार्टी से जुड़े लोगों का है, नहीं, ये काम आवाम का भी है। मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस जो NGOs के अलावा और भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको बाज़ाब्ता हम NGO नहीं मानते, NGO का मतलब होता है एक रजिस्टर्ड एक खास तहत, लेकिन उसके अलावा बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं जो बहुत अच्छा काम कर सकती हैं, उनकी समाज में पकड़ है, लेकिन हम उन इशूज़ को उठाते ही नहीं हैं। उसके अलावा जैसे कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पर, लीगल लेवल पर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का जो एक प्रोसेस होता है उसको मुसलमानों ने अडॉप्ट नहीं किया। अगर कुछ मुसलमानों के फेवर में कुछ PIL कर भी रहे हैं तो गैर मुस्लिम तंजीमें कर रही हैं और लोग कर रहे हैं, मुसलमान अपना मुसलमान एडवोकेट्स इस सिलसिले में उन्होंने कोई एक इकदाम नहीं किया है। तो हर लेवल पर देखिए, कोई भी किसी भी मसले का हल कोई एक हल नहीं होता है, हमें कॉम्प्रिहेंसिव मल्टी डायमेंशनल एफर्ट करनी पड़ती है, किसी एक चीज़ को भी नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें एक तरफ अपने को एम्पावर खुद भी करना है, हमें अपने बिजनेसेस को आगे बढ़ाना है, हमें एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जगह जगह छोटे, कहीं गर्ल्स पब्लिक स्कूल नॉर्मली मुस्लिम इलाकों में मुस्लिम शहरों में नहीं आज भी, वो बड़ी तादाद में कायम करने हैं, कम्युनिटी सेंटर्स एस्टेब्लिश करने हैं, लोगों के अंदर अवेयरनेस पैदा करनी है। जब वो अवेयरनेस पैदा होगी और उसके बाद वो काम सिविल सोसाइटी बहुत अच्छी तरीके से कर सकता है। आमतौर पर क्या होता है कि इलेक्शन के वक्त, पिछले साल मैंने जब इलेक्शन आया उससे मैंने तकरीबन 15-20 दिन पहले एक मुस्लिम एजेंडा इशू किया और उसमें हमने डिमांड्स रखी, और डिमांड्स रखने के बाद में हमने कहा कि देखिए मुसलमानों को हर पार्टी क्यों नहीं 15% टिकट्स कम से कम मुसलमानों को दे दी, पहले तो शर्त ही है क्या 15% टिकट दी, बड़ी अच्छी बात आपने की जी, 15% टिकट दी थी। और फिर मैंने कहा कि अगर आपकी पार्टी से 15% जीत कर नहीं आते लोकसभा में तो आप ये इंश्योर कीजिए कि राज्यसभा में 15% टिकट तो आप मुसलमानों को देंगे, राज्यसभा की सीटें, उसके अलावा अगर कुछ कमी बेशी लोकसभा में रह गई है उसको राज्यसभा में पूरी करेंगे। और मैंने कमोबेश तकरीबन सब पार्टियों को, मेरे साथ और लोग भी शामिल थे, उन्होंने ये पूरा एजेंडा तकरीबन सारी पार्टियों को भेजा, बशमूल समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, BJP, हर पार्टी को भेजा, लेकिन किसी की तरफ से कोई बाज़ाब्ता कोई जवाब नहीं आया। और इनफरादी तौर पर प्राइवेटली लोगों ने डिस्कस किया, लेकिन कोई बाज़ाब्ता की वजह ये थी कि अगर हमको ये बड़ी एफर्ट होती, एक मुझ जैसे चंद लोग अगर एफर्ट करेंगे तो उसका असर नहीं आएगा, लेकिन अगर ये कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन इस एफर्ट को आगे बढ़ाएगी तो उसका असर
लाजमी तौर पर होगा। आसिम भाई से लेते हैं इस बात का जवाब, हमारे पास एक बड़ा सियासी रहनुमा मौजूद है। मैं बहुत छोटा सियासी आदमी हूँ, लेकिन तो आपकी बात तो मैं बिल्कुल इससे मुत्तफिक हूँ। जो मुस्लिम एजेंडा बना करके सियासी पार्टियों से बात कर रहे हैं, आपकी हमारी हैसियत क्या है? अगर हमारे पास कहते हैं ना, खुद ही को कर बुलंद इतना घर तकदीर से पहले, खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। अगर हम वाकई, हमारी हैसियत यह है कि हम, अगर आपने किसी पार्टी को एक एजेंडा दिया आपने, भाई हमारा ये इतना नफाती प्रोग्राम है, हमारा ये आपको मानना पड़ेगा, वरना हम आपको वोट नहीं देंगे, हम उसी को वोट देंगे जो हमारी इस बात को मानेगा, तो क्या आप वाकई ये कर सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर आप ये कर सकते हैं तो आपका मसला हल हो जाएगा। वही है ना, चूंकि सिविल सोसाइटी हमारे अंदर नहीं होगा, मतलब आप बार्गेनिंग पोजीशन में हैं भी या नहीं, इंपॉर्टेंट बात ये है कि हमारे यहाँ आप जाते हैं तो दूसरा जाता है, नहीं साहब उनकी क्या हैसियत, मैं बात करता हूँ ना, ठेका तो मेरे पास है, मेरे पास है, ये क्या इनके तो कोई जानते हैं, इनको मानते ही नहीं कोई, तो तीसरा जाता है कहता नहीं साहब ये दोनों बेकार है, तीसरा मैं हूँ, तो पार्टियाँ तीनों को चाय पिला के भेज देती हैं, बोले नहीं इनमें इंतजार है, जाने दीजिए, हम लोग जो कर रहे वही ठीक है। अच्छा, मैं तीनों हजरात से, अपने तीनों मेहमानों से एक बात पूछना चाहता हूँ, और मुस्लिम रिजर्वेशन के हवाले से पूछना चाहता हूँ। थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि हमारे साथ ये साजिशें हैं, इस कौम के साथ ये साजिशें हैं, कोई नहीं चाहता कि इसे रिजर्वेशन मिले, रिजर्वेशन मिलेगा तो ये इकतसादी तौर पर, एजुकेशनली और हर तरह से ग्रो करेगी और आगे बढ़ के आ जाएगी, नहीं चाहते लोग ऐसा, और रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। थोड़ी देर के लिए हमने मान लिया कि हमें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तो हमारे पास क्या हाल है, तो इस कौम के पास क्या नहीं, कौम पास यही है कि हम बच्चों को, हम अपने कौम में लोगों को तैयार करें, कॉलेजेस खोलें, बच्चों को पढ़ाएं, लोगों को मदद करें, कारोबार में आगे बढ़ाएं, जितना कर सकते हैं अपने इंडिविजुअल बेस पे, अब कमेटियाँ बना के एनजीओज के जरिए मिल्लत और कौम को आगे बढ़ाने, हर लोग करते हैं अपना काम, अपनी कौम के लिए करते हैं, मिल्लत के लिए करते हैं, हम लोग भी ज़रा और ज़्यादा अवेयरनेस करके बढ़ाएँ, IAS बनाएं, IPS बनाएं, कम से कम उन जगहों पर जहाँ पर लोग जो है बैठ कर हुकूमत चलाते हैं, वहाँ हमारे नुमाइंदे किस तरह से पहुँचें, ज़रा डबल मेहनत करें, और दूसरी चीज़ हमारी कौम को ज़रा सा जो पॉलिटिकल अवेयरनेस लाएँ, पॉलिटिकल अवेयरनेस हमारे अंदर नहीं है, हाँ बस कहते भाई वो तो MLA बहुत ख़राब है, तो आप क्यों नहीं चले जाते वहाँ पर, अगर वो ख़राब है तो आप ही जाइए, मैं तो जाऊँगा नहीं वहाँ पर, इसलिए गंदी चीज़ है ये, आप गंदा बोल करके और इसको छोड़ देंगे इसी तरह से तो और गंदा होगा, इसलिए अच्छे लोगों को जिनको वाकई कुछ मुल्क की और मिल्लत की फिक्र है उनको आगे बढ़ना चाहिए, और सबको मजबूती तौर पर इकट्ठा करके और मिल्लत को आगे बढ़ाने के इकदाम उठाना चाहिए। गंदगी साफ़ करने के लिए अच्छे लोगों को आना पड़ेगा। जावेद साहब, आपकी राय बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने जैसे बताया था शुरू में कि चार लेवल पर एम्पावरमेंट ज़रूरी है, आइडियोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल। इसमें जो आम तौर पर हम पिछले 35-40 साल से जो हमारी वीकनेस रही है, और जिसको मैं बहुत ज़्यादा हाईलाइट कर रहा हूँ पिछले 2-3 साल से, वो ये रही है कि हमने सिर्फ जोर एजुकेशन पर दिया, हमने इकोनॉमिक एम्पावरमेंट वाला जो मुद्दा है उसको नज़रअंदाज कर दिया। तो चुनाचे हुआ कि अगर हम एजुकेशन, सिर्फ हम एजुकेशन पर जोर देते हैं, बच्चों को तालीम कराते हैं, तो हम सिर्फ एम्प्लॉयज़ पैदा करते हैं जो दूसरों की नौकरियां करते हैं। अगर हम अपनी इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश करते हैं तो हम एम्प्लॉयर बनते हैं। आज 1000 कॉरपोरेट सेक्टर की जो 1000 लिमिटेड कंपनीज हैं, उनमें से सिर्फ 10 कंपनीज ऐसी हैं कि जिनके चेयरमैन मुसलमान हैं, जबकि हमारी तादाद 150 होनी चाहिए। पूरा रास्ते पर जाइए आप, यहाँ से लेकर बॉम्बे से लेकर पूना या बॉम्बे से दिल्ली, रास्ते में सफ़र कर जाइए, रास्ते में बड़ी तादाद में होटल और ढाबे मिलेंगे आपको, उनमें मुसलमानों का शेयर का उतना है जितना होना चाहिए था, कहीं नहीं मिलेगा। हम 20 करोड़ कंज्यूमर, अवल तो हम कोई चीज़ प्रोड्यूस करते सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं करेंगे, सारा मुल्क हमारा कंज्यूमर हो सकता है, लेकिन 20 करोड़ तो कंज्यूमर हम खुद हैं। हम 20 करोड़ कंज्यूमर, और हम बिस्किट भी दूसरों के बनाए हुए खाते हैं, हम गारमेंट्स भी दूसरों के बनाए हुए पीते हैं, हमारे उसमें, चलिए हम हवाई जहाज ना बना सकते हो, हम कम से कम बहुत सारी इंडस्ट्रीज ऐसी हैं कि जिनमें हम एक मेजर। और जब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट होता है तो बाकी सारी चीज़ें, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट आता है, एजुकेशनल एम्पावरमेंट भी उसके साथ में जितना मजबूत हो सकता है उतना बगैर इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के नहीं हो सकता। एक जाहिल आदमी अगर खूब पैसे वाला है, अपने बच्चों को ऑक्सफोर्ड और जगह जगह बैठता है, लेकिन एक बेचारा PhD अगर 5000 रुपये महीना उसको तनख्वाह मिल रही है, अपने बच्चों को पढ़ाना उसको मुश्किल हो जाता है। तो ये जो पर कैपिटा इनकम मुसलमानों की बहुत कम है, इसको बढ़ाने के लिए स्पेशल एफर्ट हर लेवल पर, बिजनेस कॉरपोरेट लेवल पर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, उसके अलावा जो लोकल लेवल के बिजनेसेस हैं, हर बिजनेस में मुसलमानों को शामिल होना पड़ेगा, एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ मुस्लिम नौजवानों को ज़्यादा आमादा करना पड़ेगा। जी सर, बहुत सारी बातों की जगह मैं खास कुछ प्रॉब्लम्स की तरफ फोकस बताना चाहता हूं। अलावा क्या हल? जी जी, अगर रिजर्वेशन नहीं होता तो हम क्या क्या कर सकते हैं? देखिए, हम सब गौर करें कि नंबर वन, हमारे पास अपना इंस्टीट्यूशनल सिस्टम है, 2.5% दे रहा है हर मुस्लिम ज़कात के तौर पर जिसके पास माल है, लेकिन कैसे बढ़ रही है कि इतनी बड़ी एड बढ़ जाती है, कहाँ चली गई मालूम ही नहीं पड़ा, प्रोफेशनल बेगर्स का सिस्टम पैदा हो गया समाज और सोसाइटी में,
ऐसे लोग जो रमदान के लिए ख़ास तौर से ज़कात पाने के लिए बेगर्स बन जाते हैं, ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं हमारी सोसाइटी के। तो हम ये देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मा फतहल अब्दु बाब मसअलतिन इल्ला फतहल्लाहु लहू बाब फ़क्रिन। सही हदीस है कि जब बंदा मांगने का दरवाज़ा खोल देता है, अल्लाह उसके लिए गरीबी के दरवाजे को खोल देता है कि तुम्हें मांगने का बहुत शौक़ है ना, लो बनो गरीब। तो हम मुसलमान मांगने की जगह हम देने वाले बने, कैसे हम बन सकते हैं? तो मैं ये सजेस्ट कर रहा हूँ, नंबर 1, कि ज़कात का एक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम होना चाहिए, हमारे पास पूरा स्टैंडर्ड सेटअप होना चाहिए, किसी को देने की जगह इस तरह से दिया जाए कि वो ज़कात देने वाला बन जाए। और जो सारे ऐसे ब्लैकलिस्टेड किस्म के लोग जो हैं, जो आके लेके जाते हैं एड और सही जगह पे एड नहीं पहुंच पाती डिजर्विंग लोगों तक, तो उसका कुछ एक सिस्टम बनाया जाए, कुछ एक डेटाबेस हो जो शेयर करें लोग, फिंगरप्रिंट से लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं जो स्कैन करके, अब डिजिटल डेटाबेस बहुत कुछ हो सकता है जिसके ज़रिए ये एड एक सही तौर पर पहुँच सकती है, ताकि जो लोग रिजर्वेशन ना मिलने की वजह से एजुकेशन से महरूम हो रहे हैं, तो उन्हें हम अपने सपोर्ट सिस्टम से, जो हमारा बहुत बड़ा सिस्टम है, ये बहुत बड़ा सिस्टम है और हर मुस्लिम कर रहा है जिसके पास माल है अल्हम्दुलिल्लाह, सिवाय वो लोगों के जो बिल्कुल गाफिल हैं, लेकिन मोस्टली जनरली लोग कर रहे हैं। तो हम ये देखते हैं कि ये सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स हमारा होना चाहिए। हम अगर इस्लामिक बैंक सही तरह से ला पाते तो एक अलग बात थी, लेकिन कम से कम हमारे इस्लामिक और मुस्लिम चेंबर ऑफ कॉमर्स होने चाहिए जिसमें मुस्लिम बिजनेसेस शरिया गाइडलाइंस के साथ, शरिया प्रिंसिपल्स के साथ ग्रोथ की जाए, उन्हें ऐसे बिल्कुल रेडी फार्मूलाज दिए जाए, ऐसे इन्वेस्टर्स हो, ऐसे बिजनेस करने वाले लोग हों, और जिनको पूरी शरिया गाइडलाइंस के साथ किया जा सकता है, और जिसके ज़रिए मुस्लिम बिजनेसेस को बहुत बड़ी ग्रोथ मिलेगी, जो बिल्कुल इन्होंने राइटली पॉइंट आउट किया। पॉलिटिकल तौर पर भी हमें फोकस्ड होना चाहिए कि यहाँ पर बहुत सारी बातें कहने की जगह अगर हम एक चीज़ पर फोकस करें, भाई धूप भी अगर इस कागज़ पर अगर डायरेक्ट पड़ती रहे, बिल्कुल एक स्पॉट पर बिल्कुल उसको फोकस करके डाला जाए, तो वो आग लग सकती है, इसे जल सकता है। तो हम ये देखें कि इसके अंदर बहुत सारी अलग अलग टाइप की डिमांड्स होने की जगह, यहाँ पे कुछ मुस्लिम्स हैं जो कह रहे हैं अरे रिजर्वेशन की क्या ज़रूरत है, एक ये भी थॉट आ गया है, एक कम्युनिटी का बेनिफिट देखना बहुत ज़रूरी है। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि कुछ कह रहे हैं कि नहीं, जैसे मिसाल के तौर पे क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड किया गया है, ओबीसी का 27% में से क्रीमी लेयर जो बिल्कुल अच्छे मालदार लोग हैं उनको एक्सक्लूड किया गया है, तो कुछ लोग कह रहे हैं कि इस तरह का इसमें मुस्लिम्स को इंक्लूड कर दो, कुछ कह रहे हैं नहीं टोटल जनरल मुस्लिम्स के लिए रखो। तो हम कह रहे हैं एक यूनानिमसली एक चीज़ अग्री करो, कुछ कह रहे हैं कि ओबीसी के अंदर के कैटेगरी में से हमें रिजर्वेशन दो, कुछ कह रहे हैं उसके बाहर में से दो, तो बहुत सारे अलग अलग डिमांड्स हो रहे हैं, तो कोई एक जगह पे फोकस नहीं हो रहा है। एक चीज़ पर फोकस होकर उसको बिल्कुल कंसिस्टेंटली और एथिकल तौर पर, हम देख रहे हैं कि अभी अलग अलग जगह पर इस तरह की गैदरिंग्स होना शुरू हो गई, क्योंकि जो पिछले दिनों में जो 5% का रिजर्वेशन की बात हुई और बाद में वो बात होने के बाद ख़त्म हुई, तो बहुत सारे लोग डिसअपॉइंटेड फील कर रहे हैं। इन्होंने पॉइंट आउट किया कि हमें लीगली स्ट्रांग होना चाहिए, हमारे पास ऐसा एक बॉडी और सिस्टम और होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर, जो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग एफर्ट्स कर रहे हैं जिसके ज़रिए हम लीगली इस चीज़ को रिप्रेजेंट कर सकें और पुट अप कर सकें, ताकि हमारे राइट्स जो इस सिस्टम के अंदर, ये डेमोक्रेटिक सेटअप के अंदर हासिल हो सकते हैं वो हो। और लास्टली कि हम इसके अंदर पॉजिटिव चीज़ें भी देखें, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस चीज़ के ताल्लुक से बहुत पॉइंट आउट किया, एक हदीस है जो एक्चुअली तो वाइफ के ताल्लुक से है, कि अगर तुम में से किसी को अपनी बीवी नापसंद हो तो देखो उसके अंदर उसे कोई और चीज़ तुम्हें मिल जाएगी जो तुम पसंद करोगे, सही मुस्लिम की हदीस है। तो हम यहाँ पर इस सिचुएशन के अंदर जब है, तो क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट्स हैं इंडिया के अंदर, जो क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं, वो अच्छी चीज़ों को हम कैसे यूज़ कर सकते हैं ताकि हम एक बेनिफिट खुद भी पाएँ और लोगों को भी पहुँचाएँ। नाज़रीन, रिजर्वेशन के हवाले से बहुत खूबसूरत बातें यहाँ पर हो रही हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें। अभी जावेद साहब ने कहा मुसलमान रिजर्वेशन के अलावा अगर इकोनॉमिकली एम्पावर करें अपने आप को तो शायद ज़्यादा बेहतर पोजिशन में आ जाए। जैद खालिद साहब ने कहा कि कानूनी तौर पर इकट्ठे होकर इस लड़ाई को अगर लड़ा जाए और इसके वो पहलू देखे जाएँ जो अब तक अलग हैं और दूर हैं, तो शायद बेहतर बात निकले। बहुत अच्छी बात अभी जावेद साहब की और जैद साहब की बातचीत से निकल के आई, और वो इक्तसादियात की बात है। और इक्तसादियात के हवाले से मैं आसिम भाई आपसे बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आप हमारे रहनुमा होने के अलावा एक बहुत बड़े और कामयाब बिजनेसमैन हैं। हमारे यहाँ कौम में लोग आसिम भाई को बहैसियत कारोबारी, बहैसियत बिजनेसमैन आइडियल समझते हैं और फॉलो करने की कोशिश करते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि तमाम दुनिया में आज इस्लामिक बैंकिंग का एक रिवोल्यूशन है, और मैं देखता हूँ कि मलेशिया से लेके यूएई तक और पूरे मिडल ईस्ट में इस्लामिक बैंकिंग एक सूदी निज़ाम का बेहतरीन मुतबादल बनता जा रहा है। तो ये चीज़ क्या हिंदुस्तान में और मुसलमानों में मुमकिन नहीं है? बिल्कुल अगर है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं या क्या कर रहे हैं? लाना चाहिए। देखिए, जो लोग इस लाइन में हैं, बैंकिंग लाइन में काम कर रहे हैं, जो इकोनॉमिक लाइन में जो एक्सपर्ट हैं, बिल्कुल इसको लाना चाहिए यहाँ पर और इसको शुरू करना चाहिए यहाँ पर, लेकिन बातें हो रही, शुरू नहीं हो पा रहा है। अब देखिए, कुछ लोगों ने यहाँ पर बैंकिंग सिस्टम शुरू किया मुसलमानों के नाम पर, अच्छी अच्छी बैंकिंग चलाई, लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक पैसे कमीशन लिए नहीं, सूद ले नहीं सकते, पैसा देते गए बाद में उनका बैंक बैठ गया।
तो जिन लोगों ने बेचारों ने पैसे जमा किए थे उनको पैसे वापस नहीं मिले आज तक, अच्छा काम करने निकले थे और बदनाम होकर गाली सुन रहे हैं। मतलब बगैर किसी प्लानिंग के निकले। कितने बैंक बंद हो गए मुस्लिम नाम पे, कितने शुरू हुए। इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने बाकायदा इस बात की इस्लामिक बैंकिंग पर अपना एक पूरा मौकफ दिया कि इसकी इसकी गुंजाइश हिंदुस्तान में मौजूद है इस पूरे बैंकिंग सिस्टम में। हाँ मतलब मैं जितना एक इस्लामिक बैंकिंग को या इक्तसादियात को जानता हूँ और समझता हूँ कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के लिए रिजर्वेशन का एक मुतबादिल हो सकता है, क्योंकि जैसा आपने कहा कि हिंदुस्तान में अगर मुसलमान तरक्की करना चाहता है और बगैर रिजर्वेशन की मदद के तरक्की करना चाहता है, आसिम भाई ने भी कहा अपने कारोबार को अपने इक्तसादियात को वो आगे बढ़ाए, हम इसलिए ना पढ़े लिखें या इसलिए ना अपने औलाद को पढ़ाएं लिखाएं कि उन्हें नौकरी करनी है, बल्कि इसलिए पढ़ाएं लिखाएं कि उनके अंदर एक सियासी और सामाजिक शऊर पैदा हो और उस शऊर को लेकर वो अमली मैदान में कारोबार करें। हम 130 करोड़ लोगों का मुल्क है और इतनी बड़ी मार्केट है कि तमाम दुनिया के लोग तमाम दुनिया के ममालिक हमारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, हमें बाजार समझ के यहाँ आते हैं। इस्लामिक फाइनेंस भी तभी सक्सेसफुल हो सकते हैं इस्लामिक बैंकिंग जबकि वेल्थ जनरेशन होगा, वेल्थ जनरेशन जी जी जी। इसीलिए जब जब मैं उसकी कुरान कहता है वातु ज़कात, ज़कात दो, तो इसका मतलब कुरान ये भी कहता है कि ज़कात देने के लायक बनो। सर अभी बहुत अच्छी बात जैद खालिद साहब ने कही है, हम ईद के दिन ज़कात तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम ईद के दिन एक कंपलसरी चैरिटी करते हैं जिसका नाम है सदकतुल फितर, जो 50-60-70 रुपये 80 रुपये होती है। अगर एक मोटा मोटा 50 रुपये भी हम माने पूरे हिंदुस्तान में और अपनी तादाद 20 करोड़ भी मान लें, जिसके लिए ज़रूरी यह है कि एक बच्चा जो घर में पैदा हुआ हो फजर से पहले उसकी भी वो सदकतुल फितर जाना है, तो तादाद 1000 करोड़ रुपये से ज़्यादा बैठती है। सर 1000 करोड़ रुपये हम 2 घंटे में ईदगाह जाते वक्त प्रोफेशनल भिखारियों की झोलियों में डाल के आगे बढ़ जाते हैं, ये जाने समझे और बूझे बगैर कि उसे ज़रूरत है कि नहीं है। अगर ये 1000 करोड़ रुपये सालाना सिर्फ सबसे छोटी चैरिटी है, ये सबसे छोटी कंपलसरी चैरिटी है मुसलमानों की, जिसे हम सदकतुल फितर कहते हैं। और मैं आपको एक बात और बताऊं नाज़रीन, वो ये कि आपको किसी इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत नहीं है, आपके रब ने आपको एक ऐसा निज़ाम दिया है जो ऑलरेडी आपके पास इंफ्रास्ट्रक्चर रखता है। आप अपने मोहल्ले और अपनी गली के मस्जिद के इमाम के पास अगर जमा करना शुरू कर दें और वो आपकी मोहल्ले की जामा मस्जिद में जमा करना शुरू कर दें और वो शहर की जामा मस्जिद में जमा करना शुरू कर दें और वो स्टेट मस्जिद में जमा करना शुरू कर दें और आपको अबू आसिम साहब जैसे लीडरान की हिमायत हासिल हो, कितना खाएंगे लोग बीच में, कितना उड़ाएंगे, 10% 20% उड़ाने दो, खाने दो, आप यकीन करते हो जन्नत और दोजख पे, तो अल्लाह निपटेगा उनसे। लेकिन कहीं ना कहीं एक आप लेके इकट्ठा करके सरमाया तो रखोगे, आपको रिजर्वेशन की अब जरूरत ही नहीं है। अगर आप सालाना 5000-10000 करोड़ रुपये फला बहबूद के लिए इकट्ठे कर रहे हैं इस काम के लिए, जरूरत ही नहीं है आपको किसी उसकी। बहुत अच्छी बात है, हम अपने इंस्टीट्यूशंस कायम कर लेंगे, अपने इंस्टीट्यूशंस कायम करेंगे हम अपनी अपनी। लेकिन यहाँ पर ये एहतियात रखना चाहूंगा कि आप ये कतन ना कहें कि जरूरत नहीं है, रिजर्वेशन की जरूरत है हमेशा, बाकी रहेगी रिजर्वेशन उसके अलावा, उसके अलावा बात हो रही है यकीनन, वो ठीक है, हमें वो सब करना चाहिए, लेकिन रिजर्वेशन हमारा हक है, हम इस मुल्क के बासिंदे हैं, ये मुल्क सेकुलर है और हमें 1947 को यकीन दिलाया गया था कि तुम पाकिस्तान मत जाओ, तुम्हें हिंदुस्तान में पूरा हक मिलेगा। हमारे पास चॉइस था, हमने यकीन किया है उस बात को। अगर उस दिन ये कह दिया गया होता कि नहीं भाई तुम्हें रिजर्वेशन नहीं मिलेगा, तुम 2 नंबर के शहरी रहोगे, तुमको रहना है तो हमारी मेहरबानी पर रहो नहीं तो चले जाओ, तो फिर हमें रिजर्वेशन नहीं मिलता तो हम उस पर सबर कर लेते आज। लेकिन ये ऐसा नहीं है, जितने गए थे उससे ज़्यादा यहाँ रहे हैं, रहे, रेफरेंडम हुए और वोट दिए 1946 में, रिजर्वेशन हम लेंगे, हम लेंगे, कोशिश करते रहेंगे, कोशिश करेंगे। ये अपार्ट फ्रॉम दैट बात हो रही है, रिजर्वेशन हमारा हक है और रिजर्वेशन हमें चाहिए, हम लेते रहेंगे। मेरा आखिर में सबसे आखिरी सवाल सब लोगों से, उसके बाद हम प्रोग्राम को खात्मे की तरफ लेके जाएंगे, क्या रिजर्वेशन, चाहे वो मुस्लिम रिजर्वेशन हो चाहे वो किसी और कौम का रिजर्वेशन हो, क्या रिजर्वेशन समाज को बांटता है? समाज को बांटता रिजर्वेशन नहीं है, समाज को बांटता एक दूसरे के लिए नफरत और बोझ और हसद का मादा है। अगर दिल वसी होगा, दिल में वसत होगी और ये एहसास होगा कि भाई हम जिस समाज में रहें उस समाज के दूसरे अगर निस्बतन ज़्यादा बैकवर्ड लोग हैं उनको भी हक हासिल है कि वो तरक्की करें, अगर इस एहसास के साथ इस वसत के साथ में हम लोग सोचना शुरू करेंगे तो बांटने का काम नहीं होगा। बांटने का काम नॉर्मली जो सियासतदान है उनके इशारों पर होता है, इसमें अगर सियासतदान एहतियात बरतेंगे तो ये इस चीज़ के ऊपर कंट्रोल किया जा सकता है। बांटती सियासत है रिजर्वेशन नहीं। आसिम भाई देखिए ऐसा है ना कि जब नाइंसाफ़ी हो रही है तो फिर ज़रूर इस बात की तकलीफ होगी, भाई मैं भी इंस्पेक्टर बनाऊँ और मेरे बगल वाला मेरे साथी जो मेरे साथ पढ़ता था तो वो भी इंस्पेक्टर बना है, मुझे जो है रिजर्वेशन नहीं देखा गया लेकिन वो मेरा ACP बन गया, मेरा कमिश्नर हो गया वो, और मैं वही पढ़ा हुआ हूँ, तो ज़रूर बांटता है समाज इस तरह से। अगर चाहे इंसाफ नहीं हो रहा है तो 100% ये रिजर्वेशन लोगों को बांट रहा है, इंसाफ होगा तो नहीं बांटेगा। रिजर्वेशन के नतीजे में नाज़रीन अगर नाइंसाफ़ी समाज में हो रही है तो वो यकीनन समाज को बांटने वाला रिजर्वेशन है। जैद खालिद साहब आपका कमेंट। देखिए फैक्ट जहाँ से फर्स्ट कमेंट हमारा शुरू हुआ था, फैक्ट तो ये है कि हकीकत में ये रिजर्वेशन का सिस्टम खुद क्वेश्चनेबल सिस्टम है, और ये सिस्टम की वजह से होता क्या है कि किसी जॉब के लिए जो बेस्ट पर्सन है उसे नहीं बल्कि रिजर्वेशन की वजह से हो सकता है किसी और को मिलेगी, और इंडिया इससे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट कर सकता है
अगर रिजर्वेशन का सिस्टम इंडिया में नहीं होता और गरीबों की मदद का सिस्टम हो, गरीबों को कैसे मदद किया जाए, उनको कैसे रेज किया जाए, ये सिस्टम होना ज़रूरी है। लेकिन ये रिजर्वेशन सिस्टम इन टोटल अगर देखा जाए तो इसके अंदर बहुत सारे कॉन्ट्रडिक्शन है। तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि बेस्ट तो यही होता कि ये सिस्टम ही नहीं होता, लेकिन जब सिस्टम है और हम रहते हैं इसी सिस्टम के अंदर, तो इस सिस्टम के अंदर क्या बेस्ट हो सकता है वो हमें करना होगा। नाज़रीन, प्रोग्राम अपने खात्मे की तरफ जाना चाहता है। हम इतने खूबसूरत डिस्कशन का हिस्सा बने हैं, लेकिन घड़ी की सुइयां हमेशा की तरह अपनी रफ्तार से आगे बढ़ रही हैं। आइए अपने मेहमानों से आखिरी कमेंट लें। आसिम भाई, रिजर्वेशन के हवाले से आप आवाम को, हिंदुस्तान के मुसलमानों को और गैर मुसलमानों को कोई पैगाम देना चाहते हैं? नहीं, हम पैगाम देना चाहते हैं कि देखिए, हम सब मिल करके जो वो रिजर्वेशन मांगे अब, कि जो समाज के पसमानदा लोग हैं, जो इकोनॉमिकल बैकवर्ड लोग हैं, उनको मिले, या जो सिस्टम लगा हुआ तो मुसलमानों को भी मिले, इसकी हम मिलकर कोशिश करेंगे। जावेद जमील साहब, जब तक रिजर्वेशन है मुसलमानों को मिलना चाहिए, इसके लिए पूरी कोशिश होनी चाहिए। जिस दिन वो रिजर्वेशन हटा देंगे मुकम्मल तौर पर, मुसलमान भी दस्तबरदार हो जाएंगे, लेकिन जब तक रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन पर मुसलमानों का हक और मुतालबा जारी रहेगा, और इसमें जोर शोर और ज़्यादा मजीद तेज़ी लाने की ज़रूरत है। जैद खालिद पटेल साहब, आपका मैसेज। मैं समझता हूँ कि आप जो देख रहे हैं इस प्रोग्राम को, आप पर भी एक जिम्मेदारी है कि आप इसके सोल्यूशन का हिस्सा कैसे बन सकते हैं। और सोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए एक इंसान को अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ करना होगा, और करने में पॉजिटिव एक्शन करना होगा, ओपिनियन क्रिएट करना होगा, लोगों को बताना होगा, कम्युनिकेट करना होगा। हम एक ऐसी सिचुएशन में रहते हैं, एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ एक लीगल सिस्टम भी है, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम भी है। तो हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सर्टन राइट्स है अल्लाह के एहसान से। हम एक बिल्कुल ही टोटली गया गुजरा मामला हमारा नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमें इसके सोल्यूशन का हिस्सा बनने के लिए पॉजिटिव कदम उठाने चाहिए, पॉजिटिव तौर पर बात करना चाहिए। फाइनली बात यह है कि सारे वो लोग जो इंडिया में रहते हैं, और बल्कि सारे लोग जो दुनिया में रहते हैं, वो सब एक ही इंसानी फैमिली का हिस्सा है। हर इंसान का अपने इंसानी भाई से एक खूनी ताल्लुक है, एक ही खून दौड़ रहा है। हम सबको एक दूसरे के साथ एक पॉजिटिव माहौल में बात करना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए, सही बात को जानने की कोशिश करना चाहिए, क्रिएटर को समझने की कोशिश करनी चाहिए, ज़िंदगी के मकसद को समझने की कोशिश करनी चाहिए, मरने के बाद की ज़िंदगी के ताल्लुक से बात करना चाहिए, और दुनियावी तौर पर फिर फाइनली अगर जो भी होता है, एक इंसान अपने तौर पर बेस्ट एक्शन करे। अल्लाह ताला क़यामत के दिन इंसानों के बीच फैसला करने वाला है, और हम सब उस दिन की ताल्लुक से तैयारी करें जिस दिन कोई इंसान किसी और के काम नहीं आएगा, कोई टाइप का रिजर्वेशन वहाँ नहीं होगा। वहाँ एक ही चीज़ है, और एक सही ईमान और सही अमल के साथ एक इंसान ने ज़िंदगी बिताई है तो वो कामयाब है, और नहीं है तो वो फेल है। नाज़रीन, बहुत खूबसूरत डिस्कशन रिजर्वेशन के हवाले से। आखिर में मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर हम इस पेन को अपना सामाजिक ढांचा मान लें, और बरसा बरस की सदियों की नाइंसाफियों से हम ये जान लें कि एक कौम यहाँ है, एक कौम यहाँ है, एक कौम यहाँ है, एक कौम यहाँ है, तो 1947 में कहीं कुछ अच्छे लोगों ने एक ख्वाब देखा कि इस ढांचे को इस तरह से कर दिया जाए सारी कौमें एक बराबरी पे आ जाएं। लेकिन आज हमारे अवाम और हमारे सियासतदान और हमारे समाज का वो हिस्सा जिन्हें हसास हिस्सा कहा जाता है, वो महसूस करते हैं कि ये ढांचा उल्टा हो गया है। कहीं ना कहीं जो यहाँ थे वो यहाँ पहुँच गए, जो तकलीफें यहाँ वालों की थी वो अब यहाँ वालों को होने लगी, और ये उल्टा हो गया। आइए हम सब मिलकर वापस कोशिश करें कि हमारा सामाजिक ढांचा यहाँ कहीं आके रुके, जहाँ सबको बराबरी का हक हो, जहाँ सबको बराबरी के मौके हों। कोई एक शख्स सिर्फ इस बुनियाद पर कि वो किसी एक ख़ास कौम से ताल्लुक़ रखता है, ज़्यादा मौके उसको दिए जाएँ और वो अपने समाज को बनाने की कोशिश करे, या किसी एक शख्स के साथ, किसी एक स्टूडेंट के साथ, किसी एक कारोबारी के साथ इसलिए ज़्यादती हो जाए क्योंकि वो एक ख़ास तबके से ताल्लुक़ नहीं रखता। आइए हम एक ऐसे समाज का सपना देखें, आइए हम एक ऐसे समाज का ख्वाब देखें जहाँ पर किसी रिजर्वेशन की ज़रूरत ही ना हो। हमारा हर हिंदुस्तानी भाई, वो किसी भी कौम से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता हो, इक्तसादी तौर पर और एजुकेशनली और हर तरह से इतना समर्थ हो, इतना ज़्यादा कैपेबल हो कि उसे किसी रिज़र्वेशन की ज़रूरत ना हो, सरकारें उसके दरवाज़ों तक जाएं, सरकारें उनके घरों तक जाएं और उनसे कहें कि भैया हम तुम्हें रिज़र्वेशन देना चाहते हैं, और वो कहे कि ना, मुझे और मेरी औलाद को रिज़र्वेशन की ज़रूरत नहीं है, मैं कैपेबल हूँ। आइए ऐसे हिंदुस्तान का ख्वाब देखते हैं। वो वक्त भी देखा है, तारीख़ की आँखों ने, लम्हों ने ख़ता की थी, सदियों ने सज़ा पाई। आइए हम अपने आप को तारीख़ का मुजरिम बनने से बचाएं। मैं अपने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा करता हूं। आसिम आज़मी साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, जावेद साहब ने अपना कीमती वक्त निकाला, और जैद खालिद साहब ने हमेशा की तरह हमारा साथ दिया। नाज़रीन, अपना ख्याल रखिएगा, फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह।